हेलो बच्चों, क्या हाल? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सुलमुन भाई जैसा, है ना? है कि नहीं? क्या हाल है सभी के? बढ़िया है एकदम। हाँ बताओ। एक बच्चा कह रहा है अलक पांडे सर। हाँ बेटा बताओ। सर जेई का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? बेटा 1 तारीख से। और बताओ क्या हाल है सभी के? बढ़िया। शुरू किया जाए आज का लेक्चर, है ना? शुरू करें कि यहाँ पे चैट चैट खेलना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो वहाँ पे वो कह रहा था कोई मेरे साथ डेट पे चलेगी, कोई मेरे साथ। अबे तू डेट पे जाएगा कहाँ? यहाँ से यूट्यूब पे, हाँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे, यहीं तक रह जाएगी डेट तेरी। क्या हाल? बढ़िया। सो आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गिव अवे हो रहा है, 1 लाख रुपीज का गिव अवे है ये। सो सभी बच्चे आ जाए। शुरू किया जाए बैच, क्लास स्टार्ट की जाए। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है? तो कॉपी किताब निकाल लीजिए सभी लोग, लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ेंगे। सो एक बच्चा कह रहा है सर नेपाल आ जाओ। बेटा मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, दूध लेने बाहर जा रहा हूँ, पुलिस डंडे मार रही है, तुम नेपाल बुला रहे हो, कितने डंडे पड़ेंगे इस टाइम? हाँ और बताओ। एक बच्चे ने तो बहुत ही भयानक है, उसने अपना चैनल खोल रखा, अपना नाम चैनल खोल रखा है क्या पता नहीं। एक बच्चा वो अपने आप को नेपाली फिजिक्स वाला कहता है। वो कहता है मैं नेपाली फिजिक्स वाला हूँ। सही है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांड। स्टार्ट किया जाए, चलो शुरू करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि चैट ऑफ करवा दो प्लीज भाई, यूट्यूब से बात करके चैट ऑफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने। तो हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 8। लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट खत्म हो चुका है, आज हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। और आज एक वीडियो के अंदर हम फ्रिक्शन को कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें हम लोग को आधा घंटा लगे, या चाहे उसमें हम लोग को 2 घंटे लगे, या चाहे उसमें हम लोग को 3 घंटे लगे। फ्रिक्शन का टॉपिक आज की लाइव क्लास में हम लोग खत्म करके जाएंगे। क्लियर है सभी को? जल नहीं पीऊंगा मैं, लेक्चर खत्म करके जाऊंगा मैं, ठीक है? बाकी सभी बच्चों को पता है कि जिस तरह से नीट का फिजिक्स क्रैश कोर्स यहां चल रहा है, उसी तरह से नीट का केमिस्ट्री और बायो का भी कंप्लीट क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है कंपटीशन वाला YouTube चैनल पे। सो कंपटीशन वाला YouTube चैनल पे बायो और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट नीट का क्रैश कोर्स रन कर रहा है। वहां भी डेली 2 क्लासेस होती हैं, एक केमिस्ट्री की एक बायो की। सो आज की कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रिक्शन। आज कंप्लीट फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और लास्ट में लेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ढेर सारे सवाल। उसका कॉन्सेप्ट इतना खुल के आपको बताऊंगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक का कि आपको एकदम खुल जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे ट्रिक्स, और नॉर्मल फ्रिक्शन के सवाल भी लेंगे, ढेर सारे PYQs भी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और मेंटोस मेथड्स भी। शुरू किया जाए आज का लेक्चर। सबको रेगुलर ड्रिल पता ही होगी लेक्चर को कैसे देखना है, जहां पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज। ओह सर ये तो लाइव है। तो आज मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करना है। प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी सभी को पता है? कहां मिलेगी प्रैक्टिस शीट? कहां मिलेगी? नेपाल में, है ना? सो प्रैक्टिस शीट लेने के लिए नेपाल नहीं, कहां मिलेगी? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में। कौन सा बैच है हमारा? उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बाय नाउ पे आपको 5,000 रुपए पे करना, क्यों बता रहे हो ये मत बताओ। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है? बाय नाउ पे क्लिक करते ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे एनरोल हो जाओगे, एंड देन यू कैन डाउनलोड द प्रैक्टिस शीट। और प्रैक्टिस शीट में इसी लेक्चर से जुड़े आज 25 से 30 सवाल होंगे, आज करीब 28 सवाल हैं। उन सवालों को आप लगाएंगे फ्रिक्शन के, वो फंसेंगे तो नेक्स्ट डे उनका वीडियो सोल्यूशन देखने आप कहाँ जाएंगे? उम्मीद बैच के अंदर। कहानी हुई समाप्त, चलो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। पढ़ोगे इसके आगे भी क्या? चलो भाई पढ़ा ही देते हैं, आओ आगे पढ़ते हैं भाई। तो टुडेज गोल में बेटा आज कुछ लिख के नहीं लाया मैं, ठीक है? आज बस यही लिख दिया मैंने फ्रिक्शन, क्योंकि कंप्लीट फ्रिक्शन हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं कहानी, रामकथा स्टार्ट हुई। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो बेटा, दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके बीच में होता है नॉर्मल रिएक्शन, और अगर सरफेसेस रफ हैं तो उनके बीच में होती है फ्रिक्शन फोर्स। यानी दो बॉडी यदि कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके बीच में दो फोर्सेस हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो हैं, वैसे तो बहुत सी हैं, अभी हम दो पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक
नॉर्मल रिएक्शन, वैसे तो कॉन्टैक्ट फोर्स 5 है, हम दो ही पढ़ रहे हैं, दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन होती है और अगर रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स होती है. देन इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ध्यान दें इस वर्ड पे, क्या अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. देखो कई लोग कहते हैं फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है तो फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा? उसको अपोज करेगा. ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा, और अगर होने वाला है तो भी उसे अपोज करेगा. अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन. स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. स्टैटिक का मतलब रेस्ट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन. जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों बॉडीज किस पे हो? रेस्ट पे हो. दोनों बॉडीज रेस्ट पे हो, दूसरे के रिलेटिव में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तब क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो क्या हुआ, हमने इस बॉडी पे इधर से फोर्स लगाया, है ना. मान लो यहां कोई सामान रखा है घर में, बक्सा अक्सा रखा है ना, मम्मी वो बोलती है बक्से को साइड कर दो, है ना. तो आपने बक्से पर इसे धक्का लगाया, बक्सा हिलता ही नहीं है, है ना. आपने तो फोर्स लगाई, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, पर बक्सा हिला नहीं. क्यों? क्योंकि आपने जिधर फोर्स लगाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गई बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गई. आपने सोचा मोशन करा दे, यहां पर क्या है बेटा? टेंडेंसी ऑफ मोशन है, मोशन नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है. मोशन हो सकता है पर मोशन हुआ नहीं है. आपने फोर्स लगाई, मोशन नहीं हुआ, पलट के क्या लग गई? फ्रिक्शनल फोर्स. इसने मोशन होने से रोक दिया. बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. दूसरा है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो चलने वाला फ्रिक्शन, चलने वाला मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो ये बॉडी इसके ऊपर वी वेलोसिटी से जा रही है, तो ये सरफेस क्या कहेगा बॉडी को? अरे रुको, हमको रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, तुम आगे कैसे जा रही हो, चलो तुम पीछे चलो. तो क्या लगा दिया? FK. FK बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन. तो दो तरह के फ्रिक्शन आपने देखे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. याद रखना, स्टैटिक कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन ना हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो. काइनेटिक कब लगता है? जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो. अगर बॉडीज, दो बॉडीज अगर रेस्ट पे है तो क्या फ्रिक्शन नहीं होगा? हो सकता है, हो सकता है. अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन होगा. कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन. टेंडेंसी ऑफ मोशन को इधर जाना चाहता था, उसको अपोज करेगा. अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, इसका देखो ध्यान से सुन लो, बेसिक लग रहा है बट ध्यान से सुनो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. और इसका फॉर्मूला होता है FK is equals to mu k into n. कई लोग कह रहे हैं इसका फॉर्मूला mu s into n. नो 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 नो, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है. कॉन्सेप्ट सही करो. आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन से कहानी को. काइनेटिक फ्रिक्शन से कहानी स्टार्ट हुई. काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला mu k into n. बेटा mu k क्या है? कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. बेटा ये एक फ्रैक्शनल नंबर है. कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 1 से छोटा एक नंबर है, 0.4, 0.3, 0.6 इस तरह से होता है. क्या है बेटा? ये डायमेंशनलेस है. डायमेंशनलेस क्यों है? क्यों बेटा? इसकी वैल्यू कैसी होती है? कुछ ऐसी दिखती है, 0.4 है, 0.3 है, 0.6 है. ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक नंबर है. और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो. चलो स्टार्ट करते हैं कहानी. हाँ भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह के हैं, एक स्लाइडिंग एक रोलिंग. स्लाइडिंग मतलब घिसल के सर, तब फ्रिक्शन ज्यादा लगता है ना, की 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 आवाज आती है. फिर नीचे उसके व्हील लगा दो, तब क्या होती है? आवाज कम होती, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है. तो चलने वाला फ्रिक्शन भी दो तरह का है.
चलने वाला फ्रिक्शन भी दो तरह का है, स्लाइडिंग और रोलिंग। बेटा सभी को पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस और नो? सभी को पता होगा कि भाई यहां पे फ्रिक्शन रोलिंग में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि स्मूथली जा सकते हो आप। इन्वेंशन ऑफ व्हील कितनी बड़ी चीज है ह्यूमन काइंड के लिए कि व्हील बना दिया, पहले ऐसे घिसट के ले जा रहा थे अंकल जी, फिर देखो अंकल जी आराम से जा रहे हैं ना, सो चचा गॉट रिलैक्सेशन, सो चचा गॉट है ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया चाचा ने, आराम से अब जा रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। सवाल आ गया सीबीएसई आईपीएमटी 2007, जिसका मुझे था इंतजार वो हो तुम। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। ये ब्लॉक बी कब रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ये वी वेलोसिटी से इधर जाना चाहता है ना, ये सरफेस कहेगा अरे कहां जा रहे हो मुन्ना, पीछे चलो, मत जाओ, कहीं मत जाओ। क्या लगा देगा इसके ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है। बेटा जब मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया पीछे। बेटा कितना होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इनटू एन। तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इनटू एन, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें। बेटा नीचे क्या लगेगा इसका वेट mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी यू यू मूव तो कर नहीं रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। इसको उठा के यहां पुट कर दो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू है, इफ म्यू इज द कोफिशिएंट, और n कितना है mg, म्यू mg। अब बेटा बॉडी आगे जानी चाहती है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो इसको मास से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई एम, कितना आ गया म्यू जी। तो ये एक्सीलरेशन होगा। अच्छा ध्यान से सोचो, बॉडी आगे जा रही है, एक्सीलरेशन पीछे है, तो बॉडी कुछ देर जाकर रुक जाएगी, है ना। फ्रिक्शन पीछे लग रही, बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे खींच दी, रुक जाएगी, है ना। तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, पीछे एक्सीलरेशन भी निकल आया, बॉडी रुक जाएगी। क्या पूछा है, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, खेल खत्म। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की, वील है। फाइनल वेलोसिटी जाके रुकना है जीरो। एक्सीलरेशन बेटा माइनस म्यू जी, ध्यान दीजिएगा माइनस म्यू जी क्यों बोला, क्योंकि बेटा एक्सीलरेशन पीछे है और वेलोसिटी आगे है। इनिशियल वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन माइनस म्यू जी, टी मुझे निकालना है। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी हो गया जीरो, ये हो गया वी माइनस म्यू जी इंटू टी। यहां से टी की वैल्यू हो गई वी बटे म्यू जी इज द आंसर, वी बटे म्यू जी इज द आंसर, ये रहा आंसर, वी बटे म्यू जी इज द आंसर। क्लियर है, वी बटे, सभी का आ गया डी 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 डी, ठीक है, डी 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 डी। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत भाई, बहुत ही मजा आ गया। सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 आ जाओ, सीबीएसई एआईपीएमटी 2011। अब इसमें ना रिलेटिव मोशन लगेगा, चलो। अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये एक बेल्ट है, ठीक है, तो ये बेल्ट है, पापा ने बेल्ट है बेल्ट मारा, ठीक है, तो ये बेल्ट है बेटा, और ये बेल्ट कैसे घूम रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बेल्ट घूम रही है यूं, 2 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से, किचिकी किचिकी किचिकी। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, इसके ऊपर एक बॉक्स को रख दिया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट। बेटा क्या होगा, बेल्ट किचिकी 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 चल रही है, उसके ऊपर तुमने ब्लॉक रखा, ब्लॉक भी थोड़ी देर किचिकी 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 चलेगा, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, है ना, इसके रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करेगा, थोड़ी देर बाद ब्लॉक रुक जाएगा। अब सवाल जरा ध्यान से पढ़ो, द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट। जरा इस वर्ड पे ध्यान दो, इस वर्ड पे ध्यान दो, क्या है, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव कहां, रिलेटिव टू बेल्ट, इस बेल्ट के रिलेटिव में कितना डिस्टेंस मूव करेगा। यानी सारी कहानी कहां से देखनी है, बेल्टे बेल्ट से देखनी है। तो एक काम करेंगे, चूहा बनकर बेल्ट पर बैठ जाएंगे, बैठ गए सर, है ना, चूहा बनकर बेल्ट पे बैठ गए। अब ये चौकी कहां से देखनी है हमें, बेल्ट से देखनी है। चौकी देखने जाते थे बचपन में, चौकी है ना, इसमें राम जी लोग सच के आते थे। द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट, तो आप बेल्ट पे बैठ गए चूहा बनकर। अब आप जब चूहा बनकर बेल्ट पे बैठ गए हो, तो आप बेल्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके ब्लॉक पे चिपका दो, चिपका दिया मास्टर,
बेल्ट की वेलोसिटी उल्टा करके ब्लॉक पे चिपका दी। अब बेल्ट किस पे आ गई? रेस्ट पे। आपने बेल्ट को रोक दिया, बेल्ट को रोक दिया, क्लियर है? आप बेल्ट पे चूहा बनकर बैठे और बेल्ट को रोक दिया, क्योंकि आप बेल्ट पे हो, आप इस फ्रेम में हो। आपने बेल्ट की वेलोसिटी पलट कर ब्लॉक पे लगा दी, आप बेल्ट के फ्रेम में हो, पलट कर ब्लॉक पे लगा दी। अब क्या होगा? ब्लॉक बेल्ट के रिस्पेक्ट में इधर भाग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पिछू को लगेगा। सो इधर लगा फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा? म्यू इंटू एन। बोलो यहां तक समझ में आया सभी को? हमने क्यों ऐसे पलटा, क्यों ऐसे पलटा, समझ में आया? क्योंकि अपन किस में बैठ गए? बेल्ट में। अपन बेल्ट के फ्रेम में है, तो बेल्ट चल रही थी, अपन बेल्ट के फ्रेम में आ गए, तो बेल्ट को रोक दिया और बेल्ट की वेलोसिटी उल्टा करके ब्लॉक पे लगा दी। अब रिलेटिव टू बेल्ट देखना है, जरा सवाल पढ़ो। द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट, तो बेल्ट के रिलेटिव देखना है। पलट कर वेलोसिटी चिपका दी, अब बेल्ट के रिलेटिव में यह ब्लॉक यूं आगे जा रहा है। बेल्ट कहेगी चल पीछे, चल पीछे, फ्रिक्शन किधर लगा देगी? पिच्छू को। बेल्ट फ्रिक्शन किधर लगा देगी? पिच्छू को। बेल्ट कहेगी चल पीछे यार, फ्रिक्शन लगा दिया पीछे को, फ्रिक्शन म्यू एन। बेटा एन निकाल लोगे सेम आएगा, इसका मास एम मान ले तो नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया? यहां से एम जी के बराबर। इसको उठा के यहां चिपका दो, सो एफ के इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहां से एक्सेलरेशन भी सेम ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, एफ बाई एम। तो इसको एम से डिवाइड करोगे कितना आएगा? म्यू जी, सेम। और इस बार भी एक्सेलरेशन पीछे है, वेलोसिटी आगे। हमसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस दैट, अब इस बार क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। सो अगर हम देखें, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है ना, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने दो, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू जी। इसकी वैल्यू निकालने क्या? म्यू जी। सो ए यू कितना है बेटा जी? 0.5। और जी को कितना ले लें? 10 ले लेते हैं, तो इससे ये कट गया, कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे, वेलोसिटी के अपोजिट है ना। अरे भैया जिधर फ्रिक्शन होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेंगे? माइनस 5, है ना। अपन ने निकाल लिया म्यू जी कितना आया? 5, और पीछे लग रहा है इसलिए माइनस 5 ले लिया। बेटा अब हमसे पूछा है द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी फाइनली रेस्ट पे आ गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। बेटा v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इंटू s। इसको इधर ले आओ, 10s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 4/10, कितना हुआ? 0.4। So, कितना डिस्टेंस मूव किए? 0.4 रिलेटिव टू बेल्ट। सभी का आ गया ए, 0.4 रिलेटिव टू बेल्ट। ए 1.2 कहां से आ रहा है? चूजे आ गए यहां पे भी, क्लियर है? अच्छा देखो एक सीधा सीधा भी निकाल सकते थे डिस्टेंस, जब इस तरह का क्वेश्चन आया ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा ये लगा सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2a, खत्म करो सीधा, है ना। अपन यार क्या होता है ना, ये सब लिखने में स्टेप्स वेस्ट होती हैं, तो सीधा अपन यू स्क्वायर बाई 2a लगाएं, खेल खत्म करें। तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना था? 5, 2 कैंसिल, 2/5, 0.4 मीटर। तो अगली बार से ये प्रोसेस ना करना यार, सीधा ये लगाना, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, कितनी देर बाद बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करेगी? यू स्क्वायर बाई 2a, सीधा ये लगाएंगे, ठीक है। और कितने टाइम बाद रुकेगी अगर पूछता है, तो u बाई a, कितने टाइम बाद रुकेगी? टाइम बाद रुकेगी कितना? u बाई a। और कितना डिस्टेंस मूव करेगी? u स्क्वायर बाई 2। देखो ये सब रट जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं, अरे कॉन्सेप्ट ही है यार, इतना तो रट जाना चाहिए। 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, ड्रॉप ईयर चल रहा है, कब रटेगा, है ना। ये रट गया है, क्लियर है, u स्क्वायर बाई 2 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, कब का क्वेश्चन है? सीबीएसई AIPMET 2002। हमसे पूछा है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? बेटा सबसे हलवा सवाल है अब तक का ये, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फोर्स इधर लग रही है, फ्रिक्शन पता नहीं, लगना तो पीछे ही चाहिए, अब कौन सा लगेगा पता नहीं। खैर अभी आप मान के चलो काइनेटिक लगेगा, क्योंकि अभी मैंने स्टैटिक नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने स्टैटिक नहीं पढ़ाया, आप मान के चलो मोशन हो रहा है। देखो मानने की जरूरत नहीं है, आप अगर आंसर देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बता रखा है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 15, 10, 5.5।
जीरो एक्सेलरेशन तो नहीं दिया, मतलब ब्लॉक किस में है, मोशन में है। अब क्लियर, माना भी नहीं है, लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, चारों ऑप्शन में एक्सेलरेशन है मतलब ब्लॉक चल ही रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगी, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। बेटा यहां भी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, एम जी के बराबर। देखो नीचे लगेगा 10g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन 10g के बराबर। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू 10g, है ना, या म्यू एम जी बोल दो, म्यू इंटू एम जी। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, मास कितना है 10, जी कितना होगा 10, यहां से पॉइंट हटा, जीरो कटा, कितनी फोर्स आई 50 न्यूटन। तो पीछे कितनी फोर्स लग रही, 50 न्यूटन, आगे कितनी लग रही, 100 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, एफ नेट अपॉन मास बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास। आगे लगी 100, पीछे लगी 50, नेट फोर्स कितनी हो गई, 50 अपॉन मास 10, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी का आ गया होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी को मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है, ऑप्शन सी। यहां किसी ने इतना भद्दा कमेंट किया है कि यूट्यूब तक को शर्म आ गई, उसने छुपा दिया, बोला ये कमेंट नहीं दिखाते हैं, छी 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 छी, कितना गंदा बच्चा है ये, है ना। तो यूट्यूब तक ने, मतलब यूट्यूब ने फोन किया होगा, समझ रहे हो किसको, सुंदर विजय को फोन किया होगा कि ये दिखाना है कमेंट, ये वाला ये लिख रहे हैं, कहां से हैं, अरे आप ही के देश से है, देखिए क्या लिखे हैं, नहीं नहीं बंद करो, इतना गंदा कमेंट, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फिर से सीबीएसई आईपीएमटी 2015। अरे यार तुम लोग तो धुआं धुआं किए जा रहे हो सवाल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, पहले ही से बोल दिया ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड, डेफिनेट सी बात है ये नीचे गिरेगा ये आगे बढ़ेगा। बेटा स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का टेंशन बेटा ये और ये हो ही नहीं सकता, ध्यान से देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर मास प्लस मास, मास प्लस मास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी की यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, ऊपर मास माइनस मास यानी मास, नीचे मास प्लस मास यानी मास, मास कैंसिल, जी एक्सेलरेशन की यूनिट है, हो नहीं सकता। पर इन दोनों को तुम डायमेंशनली करेक्ट से नहीं निकाल पाओगे, तो ये डायमेंशनली करेक्ट वाली इक्वेशन हर समय वैलिड नहीं होती, और मैं तुमको बताऊं कि नीट के मैक्सिमम सवाल में ये ट्रिक लगेती थी, डायमेंशनली करेक्ट है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं यूनिट से आंसर मार दें, कभी कभी लग जाती है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आओ सॉल्व करते हैं। तो ये स्लाइड किया, ये ब्लॉक नीचे गिरा, ये ब्लॉक आगे जाएगा। When the block is sliding on the table, the tension in the string is, string में टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो बेटा टेंशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, है ना, खेल बन जाएगा, आ जाओ। तो ये स्लाइड कर रहा है, ये हमें श्योर है, स्लाइड कर रहा है मतलब इधर मोशन हो रहा है, मोशन, और यहां पे इधर मोशन हो रहा है, मोशन। फोर्सेस की बात करें बेटा, इधर फोर्स लगेगी m2g, यहां फोर्स लगेगी टेंशन की, यहां फोर्स लगेगी टेंशन की, और ये इधर मूव कर रहा है तो यहां फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कितना आएगा, m1g। अब तो ये सब समझ में आ रहा होगा ना, ये m1g ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, तेज तो नहीं हो रहा है अब तो तेज करना ही पड़ेगा, पूरा 11, 12 ड्रॉप ईयर सब निकल गया, अब ना तेज पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। सो m1g और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन m1g के बराबर हो जाएगा। सो यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू m1g। तो इधर से फोर्स लग रही है म्यू m1g। तो अगर हम देखें बेटा, तो एक्सेलरेशन या तो हम इक्वेशंस बनाए m2g minus t is equals to m2a, और यहां इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस म्यू एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, या अपन सीधा मेंटोज मेथड लगा चुके हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। तो मेंटोज मेथड हमसे क्या बोलता है बेटा, मेंटोज मेथड हमसे बोलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो लगा देते हैं अपन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो बेटा नेट फोर्स कितनी हो गई यहां पे, इस तरफ फोर्स लग रही है m2g और इधर पीछे को लग रही म्यू m1g। टेंशन को लेते नहीं है क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, आपस में एक दूसरे को कट्टी पट्टी कर देगी, है ना, तो वो तो कट्टी पट्टी होके मर गया। तो m2g नीचे और म्यू m1g पीछे, चल किधर रहा है, ट्र, 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 इधर ट्र, तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी। सो m2g माइनस म्यू m1g
अपॉन नेट मास m2 प्लस m1, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब आपको टेंशन निकालनी है, तो चाहे यहाँ की इक्वेशन यूज कर लो, चाहे यहाँ की इक्वेशन यूज कर लो, टेंशन के लिए तो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इस ब्लॉक को यूज कर लो, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से चाहो तो यहाँ से निकाल लो, टी माइनस म्यू एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए। तो मैं ब्लॉक बी से निकाल लेता हूँ। सो ब्लॉक बी के लिए हम लोग लिखेंगे, नीचे जा रहा है एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, यहाँ से बेटा टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम टू जी माइनस एम टू ए, यहाँ से बेटा मेरे ख्याल से एम टू हो जाएगा कॉमन, क्या बचा जी माइनस ए, बेटा ए की वैल्यू चिपका देंगे, जी माइनस ए की वैल्यू चिपकाई एम टू जी, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, बोलो क्लियर है, जी माइनस ए, तो माइनस लिखा माइनस एम टू जी, ये माइनस और ये माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है ना, जी माइनस ए, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये बेटा एलसीएम एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। सो एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, यहाँ क्या आएगा एम वन जी प्लस एम टू जी, खाओ पार्ले जी, माइनस एम टू जी प्लस म्यू एम वन जी, हाय राम छी छी, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एम वन जी प्लस म्यू एम वन जी, तो एम वन जी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। सो एम वन इंटू एम टू इंटू जी, बोलो क्लियर है, यहाँ से एम वन जी बाहर चला गया, नीचे यम वन प्लस यम टू, बहुत बढ़िया, और ब्रेकेट में क्या बचा बेटा, यहाँ से यम वन जी लिया वन बचा, यहाँ से यम वन जी लिया यू बचा, सो वन प्लस यू, ये हो गया टेंशन, यम वन यम टू जी अपॉन यम वन यम टू, यम वन यम टू अपॉन यम वन प्लस एम टू, वन प्लस म्यू के इंटू जी, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम बेटा, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। जो हमारे ऑपरेटर है ना वो थोड़े अलग टाइप के हैं, हमारे पीपी ऑपरेटर, वो कहते हैं सर बच्चों का कॉम्पिटिशन ना सर, सवाल में नहीं होता ऑप्शन से होता है, बच्चों का टेम्परामेंट चेक करेंगे सर, आप जानते नहीं हमारे ऑपरेटर्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अध्यापक होना हो है ना, उनका अलग खेल है, वो कहते हैं सर दुनिया ऑप्शन बी को यहाँ लिखती है, हम ऑप्शन बी यहाँ लिख के बच्चे को कन्फ्यूज कर देंगे, है ना, तो वो खेल खेलते रहते हैं इस तरह का, कभी बी ऑप्शन यहाँ डाल देते हैं, कभी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। सो वो भी ऐसे नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो कई बार बी ऑप्शन यहाँ, कई बार क्या करते हैं बी ऑप्शन सी ऑप्शन सेम भी कर देते हैं, तो थैंक यू ऑपरेटर ऐसे बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे। एक बच्चा बोल रहा है नहीं आया समझ में, सभी लोग बताएं क्या ये बच्चा सही बोल रहा है या ये चूजा है, ये मैं जान लूँ, अगर यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल, तो मैं, अगर बहुत सारे बच्चों को ये सवाल नहीं समझ में आया होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों ने यहाँ बोला कि बहुत अच्छे समझ में आया, मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको नहीं आया बेटा, यू कैन रिपीट एंड सी इट अगेन, है ना। एक कह रहा हाँ नहीं आया समझ में, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, है, क्लियर हुई बात। तो बेटा यहाँ पे टेंशन निकालनी थी, अब इसमें क्या ही समझाऊं, टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन कैसे आएगा बेटा जी, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मेंटॉस मेथड से निकाल दो सीधा, इधर एम टू जी लग रहा है, इधर म्यू एम वन जी, सो एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी, और नीचे नेट मास एम वन प्लस एम टू, खत्म। फिर हमने कहा टेंशन निकालनी है, इसका एफ बी डी बना लो, इधर एम टू जी ऊपर टी, तो क्या लगा दोगे एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब इतना बेटा अगर समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है जीवन में, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, देखो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीबीएसई आईपीएमटी 2014, ये बहुत ही टफ सवाल है बेटा, ये तो और नहीं समझ में आएगा। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज, अज्यूम m1 m2 m3 इज इक्वल्स टू m, m1 m2 m3 किसके बराबर, m, m चीज सॉस बटर खेला है कि नहीं, m टोमेटो चिप चिप चिप, m टोमेटो चिप चिप चिप, तो तीनों बराबर है बेटा, और क्या बोला है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ m1, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो बेटा फिर से बोल दिया मोशन में है, खुद ही बोल रहा है भैया डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब मोशन हो रहा है, यानी ये भी आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से, ये भी आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से। तो बेटा अगर फोर्सेस की हम बात करें, यहाँ नीचे फोर्स लगेगी, देखो सबका मास m है, ये कंफ्यूज करने के लिए m1 m2 लिखा है,
समय बर्बाद कराने के लिए। देखो ये लिखा है सबका मास क्या है, एम, सबका मालिक एक है ना, तो सबका मास क्या है, एम है ना, और सबका मालिक एक यूट्यूब, तो भैया ए, तो ये कितना हो गया एम जी, एम वन जी नहीं एम जी। यहाँ पे बेटा टेंशन लगेगी, फिर यहाँ पे भी टेंशन लगेगी, फिर यहाँ पे भी टेंशन चेंज हो जाएगी, ओए होए 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 होए, यहाँ टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, और बेटा यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी टी वन, और यहाँ पे भी चेंज हो गई टी वन। अरे यार टेंशन से अपने को मतलब क्या, अपने को एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास। और फोर्सेस बताओ, और बताओ, देखो जिस दिन फोन पे तुमसे कोई बोल दे और बताओ, फोन तुरंत काटना, और बताओ वाले लोग ना मतलब उनके पास बहुत समय खाली है। जब तुम्हारी कन्वर्सेशन यहाँ पे चली जाए किसी के साथ और बताओ, तो समझ जाओ इस इंसान से आगे बात नहीं करनी है, बोर हो चुके हो आप, ठीक है, इनकी बातों से, और आप लोग पास करने को कुछ नहीं, तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो जो रात भर और बताओ करते हो ना, सुनो हेलो मम्मी उठ गई हैं, थोड़ी देर में कॉल करते हैं बाय, तो वो बना कमेंट करो। तो यहाँ टेंशन टी और यहाँ टेंशन टी, बेटा यहाँ क्या होगी, टेंशन बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई और इंसान भी बदल जाता है, तो टी वन टी वन। बेटा और कोई फोर्स दिख रही है बताओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करना, नॉर्मल रिएक्शन मत बताना, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। देखो ये आगे भाग रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, ये भी आगे भाग रहा है पीछे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, कितना होगा म्यू इंटू एन है ना, कितना होगा म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर होगा एम जी के, तो कितना हो गई म्यू एम जी इस तरफ, और यहाँ पे भी फोर्स कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन यानी म्यू एम जी। बोलो समझ में आया बेटा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी कितनी म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा एम थ्री जी, और एम थ्री किसके बराबर है एम के बराबर है, सब बराबर है यार, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगी कितनी म्यू इंटू एन, क्योंकि भाई मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन इधर, यहाँ टेंशन टी 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 वन टी वन, पीछे फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी लग दिया, यहाँ म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी। तो बेटा अगर हम फोर्सेस की बात करें तो यहाँ लग रही है म्यू एम जी, यहाँ लग रही है म्यू एम जी, और नीचे की तरफ लग रही है एम जी। तो बेटा ए इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, बोल बेटा आंसर क्या आया, बोल बच्चा आंसर क्या आया, बोल बच्चा। तो नेट फोर्स कितनी हुई, इधर mg है पीछे म्यू mg, म्यू mg, तो नेट फोर्स कितनी हो गई बताओ, इधर mg है पीछे म्यू mg, म्यू mg। अगर पूरे सिस्टम को देखो, सिस्टम को देखो, सिस्टम इसको ऐसे ऊपर उठाओ है ना, इसको ऐसे ऊपर उठाओगे तो mg इधर लगेगी और म्यू mg, म्यू mg इधर, यानी टू म्यू mg चल इधर रहा है, यानी mg माइनस टू म्यू mg डिवाइड बाई नेट मास एम 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 थ्री एम। बेटा यहाँ से क्या होगा, यम 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 कैंसिल हो जाएगा, यम चीज सॉल्ट बटर यम टमाटो चिप चिप चिप, तो यम 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 कैंसिल हो गया, जी कॉमन हो गया, वन माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाई थ्री, ऐसा है कहीं ऑप्शन, ये रहा वन माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाई थ्री, सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरावाली माता की जय। आगे बढ़ा जाए, सभी लोग अपने धर्म के जयकारे लगा सकते हैं। मैं बचपन से जिस घर में पढ़ा हूँ लिखा हूँ है ना, बदमाशी किया हूँ गिरा हूँ और सब कुछ किया हूँ जो बता नहीं सकता यहाँ, तो मैं उसी घर के नारे लगा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या बोल दिया अलग सर ने धर्म के बारे में है ना, फैन क्लब्स डोंट डू दैट। A wooden block of mass m resting on a rough horizontal table. Wow. Coefficient of friction mu is pulled by a force f as shown in the figure. The acceleration of the block moving horizontally. अरे भैया ये क्या किया? ये force को लगा दिया at angle theta. अभी तक neat में friction के अंदर angle theta पे force लगा के सवाल पूछा ही नहीं है. पर अपन कर लेंगे. अपन neat से थोड़ा सा एक level आगे चले गए. पिछले 30 साल में नीट में फ्रिक्शन के अंदर फोर्स को एंगल पे लगाने वाला सवाल नहीं आया, यानी नीट में वही सवाल आ रहा है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के एनालिसिस की बात करें नीट के 30 साल की। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ये सवाल करने जा रहे हैं, चलो बकवास बातें बाद में। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन, क्या पूछा है यार, इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली। बेटा हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। चलो बेटा फोर्स के कंपोनेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फोर्स एफ, अगले पेज पे भी है क्या, बहुत बढ़िया, फोर्स के कंपोनेंट करते हैं। तो बेटा ये फोर्स एफ है तो आगे को कितना हो जाएगी, ये एफ कोस थीटा, और साथियों ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी एफ साइन थीटा, सही है, ये एफ है इधर एफ कोस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा। और फोर्सेस बताओ बेटा, नीचे की तरफ एम जी,
ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, हमें पता है बॉडी आगे को जा रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछू को लगेगा, पीछे तो देखो, तो पीछे तो देखो भैया, फ्रिक्शन किधर होगा भैया, पीछे होगा, ये लगाया फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगाया हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो एफ एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा एम जी नीचे नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक क्यों, क्योंकि बॉडी चल रही है। चलो भैया रे, अब एक बात बताओ, इस बार ना नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर नहीं होगा, ये बात समझो। इस केस में आप जैसे ही लिखते हो ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर, म्यू एम जी, कई बच्चों की आदत होती है ये, तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, तो ये आदत बुरी है, इस आदत को तुम बदल डालो, पराई नारी पे हाँ पराए धन पर तुम नजर मत डालो, समझ में आई बात। तो हमेशा ये करना मत, ये मत किया करो, ठीक है, अच्छी चीज नहीं है, डोंट डू दिस, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, नहीं बेटा ये गलत है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का, म्यू के इनटू एन, इज्जत करो भाई नॉर्मल रिएक्शन की, इज्जत करो, इज्जत ही नहीं है, म्यू एम जी सीधा लिख रहे हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, म्यू के इनटू एन, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे एफ का एक कंपोनेंट वर्टिकल है। अब इस ब्लॉक को देखो, क्या ये ऊपर आसमान में उड़ रहा है, नहीं, नीचे जमीन में धस रहा है, नहीं, इसका मतलब ये ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रहा, यानी फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस्ड है, ऊपर कितनी फोर्स है एन, और कौन सी है एफ साइन थीटा, नीचे कौन सी है एम जी, ऊपर एन और एफ साइन थीटा, नीचे एम जी, एन किसके बराबर, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, बस बेटा खत्म हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इनटू एन, अब सही है, ये है इस बारे में नॉर्मल रिएक्शन। आ जाओ बेटा, बॉडी किधर जा रही है, अग्गू को, बॉडी किधर जा रही है, अग्गू को, एफ कोस थीटा आगे लग रहा है साथियों, और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है साथियों, और एक्सेलरेशन आगे है साथियों, मास एम है, तो साथियों जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। या तो ऐसे लिखो, या तो चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ जाओ, ए को पीछे कर दो, चूहा बनकर इसको बैठ जाओ, ए को पीछे कर दो, एम ए पीछे हो गई, एम ए प्लस एफ के इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एक ही बात है बेटा। तो भाई साहब अपने को एक्सेलरेशन निकालनी है, सो क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो बेटा ए निकालना है, चलो एफ कोस थीटा साथियों माइनस एफ के, साथियों एफ के कितना है, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू यम इंटू ये, सो बेटा एफ कोस थीटा माइनस म्यू के इंटू एन, एन क्या है एम जी, सो माइनस म्यू के इंटू एम जी, फिर माइनस एफ साइन थीटा, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये कितना होगा म्यू के इंटू एम जी माइनस म्यू के एफ साइन थीटा, यहां माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू के इंटू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, सही है, नॉर्मल रिएक्शन रखा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, म्यू के एम जी, और माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से साथियों अगर हम देखें सो एफ तो कॉमन हो जाएगा, हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू ए, है ना, इज इक्वल्स टू ए, तो बेटा कितना हो गया, एफ बाई एम कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा माइनस एम कैंसिल म्यू के जी, देखो ऑप्शन दिख जाएगा, ये है क्या, बिल्कुल नहीं, ये है क्या, बिल्कुल नहीं, नन है क्या, बिल्कुल नहीं, तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो करेक्ट होना ही है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, एफ बाई एम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी, है ना, एफ बाई एम, देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो साथियों, इसको आप ये लिख सकते हैं साथियों, हमें हौसलों की उड़ान बढ़नी है, तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम कोस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, एफ बाई एम कोस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा माइनस यम यम कैंसिल म्यू के इंटू जी, क्लियर है, तो एफ बाई एम कोस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू जी, अब इन्होंने म्यू ही लिया है। कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, कई बार एग्जाम में वो क्या करते हैं ना कि म्यू के म्यू एस इन सबको बराबर म्यू कर देते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होता है म्यू एस
कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉट स्टैटिक, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो म्यू के से हमेशा बड़ा होता है। एग्जाम में कई बार एक ही म्यू ले लेता है, अब ले लेता है तो ले लेता है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा करेगा तो कर लेगा। रियालिटी में अगर तुम मुझसे बात करो तो बेटा रियालिटी में क्या होता है, म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। अब कई लोग कह रहे हैं ये म्यूएस का है भैया, कहाँ पढ़ा रहे, तो कुछ फोर्स वोर्स है, तो 11th में था, पढ़ा था मैंने, डिवाइस करेगा नीट के पहले। तो बेटा अगर आपको नहीं पता है कि म्यूएस और म्यू के में क्या डिफरेंस है और क्या है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं बच्चों, नीट 2020 फोड़ेंगे हम साथ में, ठीक है। सो अगले उम्मीद बैच में मिलेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टेटिक फ्रिक्शन, स्टेटिक फ्रिक्शन, स्टेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, स्टेटिक फ्रिक्शन तब लगता है, कई लोग यहाँ पैसा ऐसा दे रहे हैं, पैसा ऐसा मत दो यार, फ्री चल रहा है इसको फ्री रहने दो, इसको इमेज क्लीन रखो यार, चैट डोनेशन चैट वैट मत करो, एकदम चिल रखो इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो, है ना, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। और याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कई बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एम जी, कई लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एन, कह दो एम जी क्या। तो बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है, एडजस्टिंग है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी जीरो ऑल्सो एंड कैन मैक्सिमम बी म्यूएस इंटू एन, तो इसके दो रेंज है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना, 10 न्यूटन भी हो सकता है, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी और 0 भी हो सकता है। म्यूएस क्या है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको कई बार कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देगा, तो घबराना नहीं। और एक बात याद रखना जीवन में, जीवन में एक बात अच्छे से याद रखना बच्चों, क्या, कि म्यूएस ग्रेटर देन म्यू के होता है। और दूसरी बात यह भी याद रखना कि एंजल प्लिया लड़का है, ठीक है, वो जो लगातार मैसेज आ रहे हैं तुम जिससे बात करो वो लड़का है, ट्रस्ट मी, अपनी शक्ल आईने में देखो, यू विल बिलीव इट, वो लड़का ही है, फिर से देखो शक्ल आईने में, हाँ। सो म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे साथियों। चलो स्टेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉडी वेर इट इज एट रेस्ट, एक्चुअली इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, है ना, रिलेटिव रेस्ट की बात हुई है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, इसमें रिलेटिव रेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब रेस्ट तो एक रिलेटिव टर्म हो गया, तो दो बॉडी जब आपस में रिलेटिवली रेस्ट पे है, एंड हैज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो बॉडीज आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर रही तब भी फ्रिक्शन लगता है, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हिच इज म्यूएस इनटू एन। तो म्यूएस इनटू एन क्या है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं बोलेंगे, लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यूएस इनटू एन। और याद रखेंगे बच्चों कि म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, F limiting, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, खुद को एडजस्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, जीरो भी हो सकता है और म्यूएस एन भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी। देर इज नो फॉर्मूला, ये बात याद रखना, देर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, म्यूएस इंटू एन, नहीं ये गलत बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन हैज नो फॉर्मूला, लिमिटिंग होता है म्यूएस इंटू एन, क्लियर, लिमिटिंग होता है म्यूएस इंटू एन। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नीट 2018, नीट 2018, क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉल, हाँ सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बेटा ये तो खुद से बता दो, ये तो खुद से बता दो, ये आप स्वयं बताएं, स्वयं बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताएं, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो करेक्ट है बेटा, कोरेक्ट, दिस इज कोरेक्ट, क्या
रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही बात है, रोलिंग कम होता है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सही बात है. एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सही है. फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, कोई गलती नहीं है. कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, अरे क्या बात कर रहे हैं, गलत बात है. ये कह रहे हैं म्यूके का जो डायमेंशन है वो लेंथ का डायमेंशन है. म्यूके का डायमेंशन किसका है? लेंथ का डायमेंशन है. पागल है क्या? म्यूके हैज नो डायमेंशन, गलत बात. आगे बढ़ा जाए बेटा, गलत बात बेटा, रॉन्ग, नो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? अब देखो नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल सवाल. इस तरह के सवाल नीट में अभी आए नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है ये, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा, ठीक है. नीट वाले की ऑलरेडी हालत खराब होती है, घबराती, कॉन्सेप्चुअल इसमें रट के काम नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल्स, पावर हाउस ऑफ सेल्स इसमें नहीं लगेगा. कैलकुलेट फर्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. आ जाओ, म्यूएस भी दिया है, म्यूके भी दिया है. देखो म्यूएस की वैल्यू म्यूके से ज्यादा है, ये 0.6 है तो ये 0.4 है. कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. देखो यहां पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं ये फिजिक्स वाला जिंदाबाद, कोई लिख रहा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद. मैंने कल तुम्हें क्या सिखाया था? तुम चाहे कोहली के फैन हो, तुम चाहे धोनी के फैन हो, उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तुम एक साथ दोनों के फैन भी हो सकते हो, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन वो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं, ठीक है. तो जिसके लिए तुम यहां पे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, उनको तुम्हारी परवाह भी शायद नहीं है. शायद तुम्हारा नाम भी दिन भर, हो सकता हो परवाह हो, पर दिन भर में हो सकता हो तुम्हारा नाम एक बार भी ना ले, हो सकता हो उनको कोई फर्क ही नहीं हो, तुम हो सकता हो एक साथ दोनों के फैन बन सकते हो. आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल करते हैं कॉन्सेप्चुअल. पहला फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो बेटा जी फोर्स ऐसे लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो अपन निकाल सकते हैं. लिमिटिंग का तो फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है, क्या है बेटा? म्यू एस इनटू एन. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? यहाँ पे नीचे लगेगा बेटा 2g और ऊपर लगेगा n, तो n किसके बराबर? 2g के बराबर. तो कितना हो गया? म्यू एस इनटू mg, क्लियर है. n होगा mg के बराबर, है ना. अब बेटा म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.6 इंटू m कितना है? 2, और g को ले लेंगे 10. ये पॉइंट हटा 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 सावन की घटा, आंसर आया 12 न्यूटन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बेटा यहाँ पे? 12 न्यूटन. अब दो पार्ट करेंगे इसके. फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ जो फोर्स गिवन है वो 10 न्यूटन हो, और दूसरा जब वो 20 न्यूटन हो. हम लोग इसके दो केस अलग अलग एनालाइज करेंगे, और यहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा. कॉन्सेप्ट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट. स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन में. दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, म्यू एस इंटू एन लगा दिया है ना, 0.6 इंटू एन, एन क्या है? एमजी, 2 इंटू 10. चलो अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे. तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट ए. पार्ट ए, जब अप्लाइड फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है, राइट? राइट साथियों? यस, 10 न्यूटन. तो एफ इज 10 न्यूटन. चलो बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल कितना था बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन. ध्यान से देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 12. अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इस टाइम पीछे फ्रिक्शन 12 न्यूटन लगेगा, तो ये ब्लॉक पीछे चलने लगेगा. बताओ इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस टाइम फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? इस टाइम फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी बताओ? इस टाइम फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी बताओ? इस टाइम फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 12 तो नहीं सोच रहे हो ना? अगर तुम सोच रहे हो 12 लगाओगे तो ब्लॉक पीछे जा रहा होगा. जरा सोचो, तुम एक ब्लॉक को आगे खींच रहे हो, वो पीछे जा रहा है. भूत है यहाँ कोई, तुम ब्लॉक पीछे खींच रहे हो, पीछे जा रहा है. आगे खींच रहे हो, कहाँ जा रहा है? पीछे. भूत है. तो बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी इस टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, हमने बोला ना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन. बॉडी अभी देखो, क्या बॉडी अभी मूव करेगी? नहीं बेटा, अभी बॉडी मूव नहीं करेगी. पीछे फोर्स कितनी आ रही है? 12 न्यूटन. क्या बॉडी मूव कर पाएगी? नहीं, बॉडी मूव नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आगे लगने वाली फोर्स लिमिटिंग से कम है, उसको तोड़ ही नहीं पाएगा. होता नहीं है किसी चीज को हम लोग धक्का देते हैं वो चलती नहीं है, है ना? धक्का दे रहे हिली नहीं रही, धक्का दे रहे, एक धक्के के बाद हिल जाती है. वो धक्का कौन सा था? आप लिमिटिंग को क्रॉस करते हो तब बॉडी चलती है ना? आप 10 लगा रहे हो, 12 न्यूटन पे हिलना था, 10, 11, 12 पे हिली.
तो 10 न्यूटन पे बॉडी नहीं हिलेगी, तो बॉडी किस पे रहेगी बेटा, रेस्ट पे रहेगी। पहली बात है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है बेटा वो लिमिटिंग से कम है, तो लिमिटिंग से कम है तो बॉडी किस पे रहेगी बेटा, रेस्ट पे। जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे। ये लिमिटिंग को तोड़ नहीं पाएगी, लिमिटिंग एक बाउंड्री है, लिमिट है ना, ये बाउंड्री है कि इसको तोड़ो तब सफलता मिलेगी, तो ये टूट ही नहीं पाई है ना, नहीं टूट पाई तो बॉडी रेस्ट पे है। अब जब बॉडी रेस्ट पे होगी बेटा तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो आगे 10 लग रही है तो पीछे भी कितनी लगेगी, 10 न्यूटन। तो इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, 10 न्यूटन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा है, सेल्फ एडजस्टेबल, तो वो एडजस्ट कर लेगा खुद को और कितना बन जाएगा, 10 के बराबर बन जाएगा। क्लियर हुई बात, क्यों 10 बना, 12 लगा ही नहीं सकते यार, 12 कैसे लगाओगे, पीछे 12 आ रहा है लिमिटिंग, आगे 10। अगर अप्लाइड फोर्स, ये देखो ये बात समझो, ये बात समझो, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी रेस्ट पे, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो आगे 10 तो पीछे 10। अब बेटा एक्सेलरेशन की मैं क्या ही बात करूं, किस मुंह से बात करूं, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा जब बॉडी चली ही नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट, फोर्स कितनी, 20 न्यूटन, फोर्स कितनी, 20 न्यूटन। एफ कितना लगाया, 20 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया, 20 न्यूटन लगा दिया। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, एफ लिमिटिंग कितनी है, 12 न्यूटन है ना। इस टाइम जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, अगर अप्लाइड लिमिटिंग से ज्यादा होगी तो बॉडी चल जाएगी है ना। आपने क्या किया, आपने उस लिमिट को तोड़ दिया। बात समझ में आई, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ, देखो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाली, कहानी समझो, सबसे पहले हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाली, सबसे पहले हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आई, μs इंटू एन आ गई, μs की वैल्यू रखी, n को mg रखा, 0.6 इंटू 2 इंटू 10, तो ये 12 न्यूटन। फिर अप्लाइड फोर्स 10 है तो 10 12 को क्रॉस नहीं कर रहा, लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो बॉडी मूव नहीं की, किस पे रह गई, रेस्ट पे, रेस्ट पे रह गई, तो बेटा नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, बॉडी चली नहीं, तो आगे 10 तो पीछे 10, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 10। फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करती रहती है, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है, तो 10 बन गया, बॉडी हिली नहीं, का एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट पार्ट देखो, 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन क्या है बेटा, लिमिटिंग को क्रॉस कर रहा है, बॉडी मूव करेगी, बेटा बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मूव कर गई, मूव कर गई तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, तो इस बार पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एफ काइनेटिक। जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, लिमिटिंग से ज्यादा है, बाउंड्री को तोड़ दिया तो बॉडी चलने लगी, बॉडी चलने लगी तो फ्रिक्शन कौन सा बन जाएगा, काइनेटिक, यानी इस टाइम फ्रिक्शन कौन सा होगा बेटा, एफ काइनेटिक होगा, यानी कितनी वैल्यू होगी, म्यू के इंटू एन, यानी म्यू के इंटू एम जी, म्यू के की वैल्यू दे रखी होगी 0.4 इंटू 2 इंटू जी, कितना आया, 8 न्यूटन। तो इस बार पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 8 न्यूटन। एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, नेट फोर्स कितनी हो गई, 20 - 8 अपॉन मास कितना है, 2, तो 12/2 कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई का आंसर 4 था, क्यों था, क्योंकि उन्होंने लिमिटिंग फ्रिक्शन को यूज किया, जितनों का एक्सेलरेशन 4 आ रहा है, जिन्होंने एक्सेलरेशन 4 आ रहा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन रख दिया 12 न्यूटन। 20 - 12 = 8, 8/2 = 4, बेटा ये गलत है, जब बॉडी मूव करती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी तो बोला कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जब बॉडी मूव करती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। कई बच्चों ने 4 4 4 4 4 लिखा था,
जब बॉडी मूव करेगी, देखो कैसे पता चलेगा कि बॉडी मूव करेगी कि रेस्ट पे रहेगी, पहले तो ये बात है। उसका सिंपल तरीका है, क्या निकाल लो, एफ लिमिटिंग निकाल लो। एफ लिमिटिंग की वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एफ लिमिटिंग का तो फॉर्मूला डिफाइंड है, क्या फॉर्मूला है, म्यू एस इनटू एन। तो आपने निकाल लिया 12 न्यूटन। अब आपने कहा भैया अप्लाइड फोर्स कितनी है, 10। हम नहीं हिलेंगे, 12 तक हम नहीं हिलते, अकड़ है, एटीट्यूड है, आई हैव माय ओन एटीट्यूड, डोंट सो मी योर एटीट्यूड, आई हैव माय ओन, है ना। तो वही बात है, तो 10 पे नहीं हिलेंगे, 12 तक हिलेंगे ही नहीं, नहीं हिलेंगे तो रेस्ट पे है, हम रेस्ट पे हैं भाई। अगर रेस्ट पे है तो जितनी आगे फोर्स उतनी पीछे, तो 10 आगे लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी 10 बन गई। कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, ये स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल। अब बॉडी चली नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फिर आगे आए फोर्स 20 न्यूटन, हमारी लिमिट, हमारी औकात 12 की थी, 20, अरे भैया 20 चलना पड़ेगा, 20 चलना पड़ेगा। जैसे ही चले आप आ गए मोशन में, जैसे ही चले आप आ गए मोशन में, और मोशन में आते कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग नहीं, बॉडी मूव की तो काइनेटिक, सो एफ काइनेटिक म्यू के इनटू एन, म्यू के इनटू एमजी, 0.4 इनटू 2 इनटू 2 2 2 2 8 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैलकुलेट, ये भी देखो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। बताओ बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, म्यू एस इनटू एन, जल्दी से बताएंगे बच्चों, म्यू एस इनटू एम जी, यस और नॉट, जल्दी से बोलेंगे बच्चों, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। आर यू, एम कितना है, 5, जी कितना है, 10, 20 न्यूटन, सभी का आ गया। कितना आ रहा है लिमिटिंग, लिमिटिंग कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं सभी लोग, 20 न्यूटन आ गया सभी का, 20 न्यूटन आ गया, 20 न्यूटन आ गया, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 का दो, 20 का दो, बहुत बढ़िया बेटा। गलत है, गलत है, टा 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 टा, अरे गलत है, तुमसे किसने कहा कि एन हमेशा एम जी के बराबर होगा, वो सर वो इंस्टाग्राम पे पढ़ के आई थी सर, वो तो, अरे गधा, ये फोर्स एफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन यू लगेगा, बेटा फोर्स ऐसे लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस लगाता है बॉडी पे, नॉर्मल रिएक्शन यू लगेगा ना, और ये फोर्स ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, इस फोर्स के, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, फोर्स ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर। तो अब केस वाइज चलते हैं, पहला केस, पहला केस, केस ए, जब अप्लाइड फोर्स कितना है प्यारे बच्चों, जब अप्लाइड फोर्स कितना है, 200 न्यूटन है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है बेटा, साथियों नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाता है साथियों, तो नॉर्मल रिएक्शन यू लगा, अप्लाइड फोर्स ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, इसके बराबर, डुगु डुगु, है ना, तो डुगु 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 कितना हुआ, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ, 200, बात समझे, बहुत बढ़िया। अब निकालो एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग म्यू एस इनटू एन, म्यू एस है 0.4, एन है 200, यहां से पॉइंट, यहां से ये 80 न्यूटन है बेटा लिमिटिंग, 80 न्यूटन। अब बताओ ये 80 न्यूटन लगेगा किधर बेटा, इसका मास कितना है, 5 kg, तो ये नीचे गिरना चाहेगा, नीचे की तरफ इसका वेट ऐड करेगा, कितना वेट, 5g, है ना, 2g, 3g, 4g, उसके बाद क्या आया है, 5g आया है। तो बेटा इसका वेट नीचे की तरफ लगा, कितना लगा राजा मुन्ना बेटा मेरा, मेरे राजा बेटे और रानी बेटी हो आप, बताएं फोर्स कितनी नीचे लग रही है, 5g, है ना। अब बेटा ये फिसलना चाहता है, तो फ्रिक्शन यू लगेगा। अब डिसाइड करना है हमको कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग लगेगा कि स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, आप सोचना पड़ेगा। आओ सोचते हैं बेटा जी, आओ सोचते हैं, अप्लाइड फोर्स ये है 5g, 5g बोले तो 5 × 10, 5 × 10 बोले तो 50 न्यूटन। तो बेटा नीचे कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितनी है, नीचे की तरफ वाली 50 न्यूटन से ही नीचे आना चाहता है, ऊपर लिमिट कितनी है मेरे पास, 80 न्यूटन। मोशन होगा कि नहीं,
बोल राधा बोल, मोशन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल, सॉरी बबीता, कोई नहीं राधा कोई नहीं है, राधे है वो सुलमन भाई की, बोल राधे बोल, मोशन होगा नहीं। तो बेटा नो मोशन, नो मोशन, वाई नो मोशन? बिकॉज नीचे 50 न्यूटन है, ऊपर 80 न्यूटन है, जो गिराना चाहता है वो कम है, 50 न्यूटन इज लेस देन 80 न्यूटन, ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शनल ज्यादा है, यानी अभी गिरेगा नहीं, लिमिटिंग उसको बचा लेगा। और बेटा जब नो मोशन है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टेटिक होगा, अब बॉडी मूव नहीं कर रही, तो जो फोर्स नीचे है वही फोर्स ऊपर होगी, कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, 50 न्यूटन, सभी को चमक गया ये बात, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, 50 न्यूटन, ये सर नो है ना, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, जब मूव नहीं कर रही तो जितनी नीचे फोर्स उतनी ऊपर फोर्स, और एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा, जीरो हो जाएगा, सभी को समझ में आ गया होगा, जीरो, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट बेटा, जब अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन हो गई, हाँ मास्टर 100 न्यूटन हो गई, हाँ मास्टर 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, हाँ मास्टर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, हाँ मास्टर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एफ के बराबर होगा, हाँ मास्टर नॉर्मल रिएक्शन एफ के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन 100 होगा, हाँ मास्टर नॉर्मल रिएक्शन 100 होगा। बेटा फिर से निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। अब मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा और मेरी प्यारी बच्चियां सब ये बात समझ चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एम जी नहीं होता, म्यूएस इंटू एन होता है। शाबाश, शाबाश, बिंदास, जानदार, जबरदस्त। तो 0.4 इंटू 100 बेटा, यहां से ये मर गया, कितना आया 40 न्यूटन, बहुत बढ़िया, ये आ गया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। अब मेरे को बताओ नीचे कितनी फोर्स लग रही है इस बार, बेटा नीचे फिर से 5G लगेगी, 5G बोले तो 5 × 10, 5 × 10 बोले तो 50 न्यूटन लगेगी। बेटा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, इसको संभालेगा, गिरने से बचाएगा, इस गिरे हुए ब्लॉक को गिरने से बचाएगा फ्रिक्शन। बेटा कितनी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है, 40, कितनी लगा रहे हो 50, कितनी अवेलेबल है 40, कितनी लगा रहे हो 50। तो बेटा इस बार 50 न्यूटन 40 न्यूटन से जीत गया, जीत गया तो बेटा ये फिसल जाएगा है ना, स्लाइड करेगा। बेटा स्लाइड किया तो क्या स्टार्ट हो गया, मोशन। बेटा मोशन तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस बार। तो बेटा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू बेटा 0.3, एन की वैल्यू बेटा 100। तो ये हो गया 30 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे 50 ऊपर 30, नीचे 50 ऊपर 30, तो एक्सेलरेशन हो गया 50 − 30/5, यानी 20/5, कितना 4 m/s² नीचे की तरफ। क्लियर है एकदम, सभी को क्लियर है, आ गया सबको समझ में कॉन्सेप्ट पूरा। अब सुनो, कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कई बार म्यू के और म्यू एस को सेम दे देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, बट वो आसान करने के लिए कई बार सेम देते हैं और कई बार नहीं देते। ध्यान से याद रखना, म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। क्लियर, क्लियर है एकदम। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर पीछे जाकर देखूंगा, बिल्कुल बेटा तुमको देखना चाहिए, वेरी गुड बेटा, इट्स द बेस्ट डिसीजन है ना, कितने अच्छे हो तुमने ये नहीं बोला कि सर इसको रिपीट कर दो, मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद, आई लव दीस काइंड ऑफ किड्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। एक बच्चा कह रहा है सर मैं इस वीडियो को पीछे से जाकर फिर से देखूंगा क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब बताओ यही कोई अगर लिखता कि सर इसको रिपीट कर दो तो मुझे कितना गुस्सा आ जाता है ना, कितना खराब लगता कि बार बार रिपीट करा रहे, वेरी गुड बेटा, बच्चे इतने समझदार हैं। भाभी जी मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे इतने तेज हो गए हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक, ये ट्रक कहां जा रही है सर, ट्रक में क्या है, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.6 है, और क्या है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 m/s² द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, बताएं बच्चों, बढ़िया सवाल है, एक्सेलरेशन कितना है 5 m/s² साथियों,
एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ट्रक आगे जा रही है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, इसका मास कितना है साथियों, इसका मास है 1 kg। अब आप बताएं इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, बताएं बच्चों, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बेटा, एफ लिमिटिंग कितना आएगा, एफ लिमिटिंग विल बी म्यू एस इनटू एन, बेटा ये नीचे mg, ऊपर बेटा n, n किसके बराबर, mg के बराबर, सो म्यू एस इनटू mg, म्यू एस कितना है बेटा 0.6, m कितना है 1, g कितना है 10, ये उड़ गया, कितना आया 6 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 6 न्यूटन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 6 न्यूटन का। अच्छा ध्यान से देखो, ये ब्लॉक कहां है, ट्रक में, और ट्रक क्या कर रही है, एक्सेलरेट। ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल कैसे डील करते हैं, चूहा बनके, तो चूहा बनके इसके ऊपर बैठ जा पहले भाई, जब सब पता है तो कहे नहीं चूहा बना तू अभी तक, है चूहा बनकर इसके ऊपर फिर से हम बैठ गए, ओके चूहा बनकर बैठ गए अपन, कहे चूहा बने, कहे चूहा बने, कहे चूहा बने, इसलिए चूहा बने कहे कि ये फ्रेम नॉन इनर्शियल था, एक्सेलरेटेड फ्रेम था। चूहा बनकर बैठ कर सबसे पहले क्या लगाओगे, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, m इंटू ए, m कितना है 1 × 5, कितना हो गया बेटा 5 न्यूटन का सूडो लगाया। अब जब तुम इसके ऊपर बैठे हो, चूहा बन के बैठे हो, टिक्यू 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 टिक्यू, और देख रहे हो कि 5 न्यूटन पीछे लग रही है, ब्लॉक किधर जा सकता है, पीछे, रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, तुमने यहां बैठ गए, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे जा सकता है, तुम जैसे ही चूहा बनकर इसके ऊपर बैठे, क्यों बैठे, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है। पहले सवाल तो आता है चूहा बनकर हम क्यों बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है सर, बैठ गए चूहा बनकर। जैसे ही चूहा बनकर बैठे 5 न्यूटन पीछे लग रहा है, ब्लॉक पीछे भाग रहा है, ब्लॉक जैसे ही पीछे भाग रहा है बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी, यस सर। अब मेरे पास लिमिटिंग कितनी अवेलेबल है, 6 न्यूटन, फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन, तो जो फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, इट इज लेस देन 6 न्यूटन, लिमिटिंग से कम है बेटा। अगर लिमिटिंग से कम है तो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे, नहीं समझे भाई, ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करो, इस देखो एक्सेलरेटेड फ्रेम को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, बत्तमीजी से नहीं ट्रीट करना है सर, बत्तमीजी से ट्रीट कर देंगे, अच्छे से ट्रीट करना है। चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ जाना है, जो उसका एक्सेलरेशन है उसको पलट कर पीछे चिपका देना है, पलट कर चिपका दिया, एम ए हो गई सूडो फोर्स, सो 1 × 5, तो 5 न्यूटन पीछे लग रही है फोर्स। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे भाग सकता है 5 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन इसको बचाना चाहेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है मेरे पास 6 न्यूटन, है ना। पर जो अप्लाइड फोर्स है वो अभी लिमिटिंग से कम है यार, अभी 6 की जरूरत नहीं है, अभी उतना लाने की जरूरत ही नहीं है, उससे कम में काम हो जाएगा, अभी लिमिटिंग से कम है, तो बॉडी किस पे है बेटा, रेस्ट पे है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा आई हैंडल दिस, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा आई हैंडल दिस, लिमिटिंग की जरूरत थोड़ी ना इसमें, यहां लिमिटिंग की जरूरत है, अभी तो 5 मिनट है, इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो स्टैटिक मार देगा, लिमिटिंग की जरूरत नहीं है, तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा 5 न्यूटन, बॉडी रेस्ट पे है ना, तो जितना पीछे उतना, तो इसमें कई बच्चे 6 न्यूटन मार देंगे गलती से, पर 6 नहीं मारना है, ठीक है, मारना गलत बात है, आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट सीबीएसई एआईपीएमटी 2010, CBSE AIPMT 2010, बस ये आखिरी सवाल करा रहे हैं, इसके बाद टॉपिक स्विच करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे चलेंगे। चलो, द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइड, कम से कम कितना एक्सेलरेशन रखें कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, कम से कम कितना एक्सेलरेशन रखें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो कर लेना, ठीक है, मैं सीधा बताता हूं। देखो हमने पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना रखें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। अच्छा एक चीज देखो कि मान लो यहां पे मैंने कोई सामान रखा है इसके आगे, और इसको मैं तीजे से एक्सेलरेट करूं, अगर मैं धीमे धीमे ले जाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। अगर मैं यहां पे रखूं और इसको यूं एक्सेलरेट करूं, इसको यहां पर रखा ऐसे एक्सेलरेट किया, अगर मैं धीमे धीमे करूंगा तो जाहिर सी बात है नीचे गिर जाएगा, अगर मैं तेजी से करूंगा तो हो सकता हो ये ना गिरे, यानी एक्सेलरेशन किसी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, बात समझो।
अगर मैंने यहां पे कोई सामान रखा और इसको धीमे धीमे एक्सलरेट किया तो ये पक्का नीचे गिर जाएगा, तो मेरे को तेजी से एक्सलरेट करना पड़ेगा तभी तो रुकेगा। देखो ऐसे ये, यानी एक्सलरेशन की वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले तो लेस देन वाला ऑप्शन काट दो, ये कट गया, लेस देन वाला ऑप्शन कट गया पहले तो। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहां पे रखा है और आपने ऐसे एक्सलरेट किया, यूं आपने एक्सलरेट किया है ना, तेजी से एक्सलरेट करना होगा किसी वैल्यू से ज्यादा। दूसरा बेटा ये ऑप्शन देखो, ऊपर किसका डायमेंशन है, mg न्यूटन, नीचे बेटा u का कोई डायमेंशन नहीं, तो एक्सलरेशन का डायमेंशन न्यूटन नहीं हो सकता। यहां देखो बेटा ऊपर क्या है, ऊपर एक्सलरेशन का डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे मास का है kg, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला बेटा देखो, ऊपर देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे कोई डायमेंशन नहीं, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी है, यही होगा, खत्म, क्लियर। दिस इज कॉल्ड मेंटास जिंदगी। क्लियर, कॉन्सेप्ट से करें और कॉन्सेप्ट से करें। आओ बेटा कॉन्सेप्ट से, आओ बेटा इसको कॉन्सेप्ट से, ये अलग खेल समझ में आ गया, और कॉन्सेप्ट से करते हैं हम, है ना। गंदी बात बेटा ये सब गंदी बात, नो बैड हैबिट, आओ कॉन्सेप्ट से करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, ये ब्लॉक किस पे है, किससे चिपका हुआ है, एक एक्सलरेटेड फ्रेम से चिपका है। एक्सलरेटेड फ्रेम से चिपका है तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, चूहा बनकर बैठ जाएंगे। अब ये ए एक्सलरेशन से चल रहा है, पूरा जो कार्ट है, दिस इज कार्ट, ये कार्ड कैसे चल रहा है, ए एक्सलरेशन से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ ए एक्सलरेशन चिपका के लगे चिपका देंगे पलट कर, नहीं समझे, ये जो पूरा ब्लॉक है ये ए एक्सलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या लगाएंगे, एम ए। भाई किस फ्रेम में है ये, एक्सलरेटेड फ्रेम में है, ए एक्सलरेशन एक्सलरेटेड फ्रेम में। तो सबसे पहले चूहा बनकर बैठे, इसके ऊपर पीछे एम ए लगा दिया, यहां तक क्लियर है, सबसे पहले चूहा बनकर बैठे, पीछे एमए लगा दिया। बेटा ये इसके ऊपर क्या लगाएगा पलटकर, नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो, यहां तक बात समझ में आई। ये फ्रेम क्या कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, तो आप चूहा बनकर बैठे, सबसे पहले इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगा दिया, एमए लगा दिया। फ्रेम इस पे पलटकर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अच्छा और क्या फोर्सेस होंगी बेटा, और क्या फोर्सेस होंगी बेटा, और इसके ऊपर नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है, सवाल में एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यहां से पढ़ो, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। आपको क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, आपको प्रिवेंट करना है ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, ब्लॉक को गिरने से बचाना है। गिरने से तभी बचोगे जब ऊपर वाली फोर्स mg से बड़ी हो, और ऊपर मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ऊपर मैक्सिमम क्या सकती है, लिमिटिंग। सो f लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तभी तो बचोगे। बात समझ में आई, हमें क्या करना है, प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। तो ब्लॉक गिरने से है ऐसे चू जाएगा, चू, तो चूने से कैसे बचेगा, ऊपर क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स mg से बड़ी हो, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, लिमिटिंग। f लिमिटिंग होता कितना है, म्यू इनटू n ग्रेटर देन इक्वल टू mg। बेटा यहां से देखो n किसके बराबर है, ma के। आप चूहा बनकर इसके ऊपर बैठे, a एक्सेलरेशन यू था, पलट कर ब्लॉक पे पीछे सूडो लगाया, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, ma के। सो म्यू इनटू ma इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एम ए इज ग्रेटर इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहां से एम एम कैंसिल, ए इज ग्रेटर इक्वल टू जी बटे म्यू, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट से करोगे तो, साथियों कॉन्सेप्ट से भी सेम जवाब आएगा, और साथियों मेंटोस जिंदगी से भी सेम जवाब आएगा, क्लियर है, क्लियर है। ए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एक बच्चा कह रहा सर गाना गाएंगे किसके एक लाइक पे, गा दिया मैंने, ठीक है, तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हो, मेंटोस वाला मेथड से लगाएंगे। देखो यार, ट्रस्ट फिजिक्स, रिस्पेक्ट फिजिक्स, ट्रस्ट फिजिक्स, ठीक है, लग गया मेथड,
मान लो यहां पे और ऑप्शन होते, फंस जाता मैटर, है ना। चलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सीबीएसई एपीएमटी 2004। आज बेटा फ्रिक्शन इन 160 है, 160 मतलब 160 में चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो फिर क्या है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। कह रहा है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमने माना इसका मास m, नीचे लगा mg, यहां लगा टेंशन t, यहां लगा टेंशन t, अब पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगा, सही है, सही है, यहां लगा mg। सो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को तोड़ ना दे, जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को तोड़ ना दे, है ना भाई। अगर इस पूरे सिस्टम को देखो, इधर mg लग रहा है, इधर f लग रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही तो होगी जो इधर लिमिटिंग को ना तोड़े। तभी तो बोला है कंडीशन क्या है, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ना तोड़ पाए, है ना। सो mg की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, f लिमिटिंग के। इस पूरे को एक सिस्टम की तरह अगर हम देखें, इस पूरे को एक सिस्टम की तरह देखें, तो इधर से mg खींच रहा है और इधर से क्या लग रहा है, f। अब mg की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो f लिमिटिंग के पास पहुंच जाए। अगर आप f लिमिटिंग को क्रॉस किए तो कंडीशन खत्म हो जाएगी। कंडीशन क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो चाहिए मास m की, मैक्सिमम वैल्यू तो चाहिए ब्लॉक b की, बट कैसी, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, चलना नहीं है इनको। तो इधर से जितनी फोर्स लगी उसको ये बैलेंस, मैक्सिमम कितनी फोर्स की लिमिटिंग को बैलेंस कर दे। सो mg इज इक्वल्स टू f लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यू एस इन टू एन। बेटा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे फोर्स लगेगी 2g, तो 2g के बराबर हो गया। सो mg म्यू एस इन टू 2 इन टू जी, जी और जी कैंसिल, m इज इक्वल्स टू 0.2 इन टू 2, कितना हो गया 0.4। सभी का आ गया, बहुत बढ़िया भाई, धुआं धुआं कर दिया आपने सवालों को, क्या बात है, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए बच्चों मेरी। चलो सीबीएसई एपीएमटी 1991, खूब देखेंगे ये सवाल, चेन वेन वाले, है ना, या चेन लेके आएंगे, हम भी हैं जोश में। हैवी यूनिफॉर्म चेन, हैवी अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, देखो यहां गायब कर दिया, देखो ये देखो, हमारे ऑपरेटर आपसे चाहते हैं कि आप भी ध्यान दो कि आप सवाल पढ़ रहे हो कि नहीं, आपको क्या लग रहा है गलती से हुआ ये, नो इंटेंशनली, ताकि आप और ध्यान से पढ़ो सवाल को, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो कहां पे लिखा है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आपको सिखा रहे हैं। वेरी गुड ऑपरेटर, वेरी गुड, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट है ना, टेम्परामेंट। तो अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ टेबल इफ कोफिशियंट ऑफ, यहां पे फ्रिक्शन होगा, देखा, ऐसा नहीं कि आप हल्के में कर लोगे, पढ़ो, बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज 0.25, अच्छा, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table, बोल रहे maximum कितना fraction hang कर सकता है। देखें इस तरह के सवाल की नहीं देखें, बताओ पहले इस तरह के सवाल देखें कि नहीं देखें, सबने देख रखे होंगे कि maximum कितना fraction hang कर सकता है, इस तरह के सवाल देखे हैं कि नहीं देखे हैं। मान लेते हैं length of chain L है, length of chain मान लेते हैं L है, देख रखे नहीं देखे, लेंथ ऑफ चेन L है, है ना, तो मान लो लेंथ L है, मान लो X हैंग कर रहा है, तो ये कितना हो गया L माइनस X। अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ, देखो इसका वेट नीचे खींचेगा और इतने पार्ट पे फ्रिक्शन लगेगा जो इसको रोकेगा, देखो इतने पार्ट का जो वेट होगा वो नीचे खींचेगा, इसका जो मास होगा वो नीचे वेट लगाएगा, और इतने पार्ट पे क्या लग रहा होगा, इतने पार्ट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा।
अब बोल रहा है कि मैक्सिमम कितनी लेंथ, तो मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग पॉइंट पे आना एकदम, यही तो होगा ना बात, समझो। इतने पार्ट का वेट क्या करेगा, चेन को नीचे गिराना चाहेगा, और इतने पार्ट का वेट क्या करेगा, चेन को यहां पर रखना चाहेगा, समझे। इस पार्ट का वेट चेन को नीचे गिराएगा और ये पार्ट के वेट पे क्या लगेगी, एफ। और कह रहा है क्या, सवाल पढ़ो, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। हमसे पूछा है मैक्सिमम कितनी चेन लटका सकते हैं। अरे रियल लाइफ में तो एक्सपीरियंस किया होगा कि चेन को टेबल से लटकाओ नहीं गिरती, लटकाओ नहीं और झुर धाड़। स्कूल से बहुत करते थे ना, वो बैग बांधने वाली चेन लेके जाते थे, साइड से लटका के छोड़ते थे, ए देख देख नहीं गिरी, ए देख देख नहीं गिरी, वो मारा भट धुर धड़ से गिरती थी। तो एक पर्टिकुलर लेंथ तक आते आते नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्यों नहीं गिरती, एक पर्टिकुलर लेंथ पे आते आते नहीं गिरती, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही होती है वो इसके वेट को बचा ले जाती है। तो बेटा इसका वेट कितना होगा, देखो पूरी एल लेंथ का मास मान लो एम, ठीक है, सो वन लेंथ का मास होगा एम बाई एल, तो एक्स लेंथ का मास होगा एम बाई एल इंटू एक्स, तो इसका मास कितना हो गया, इतने का मास हो गया एम बाई एल इंटू एक्स, तो नीचे कितना वेट लगा m by l into x into g। अब बेटा इसका कितना मास हो जाएगा, l minus x का मास हो जाएगा m by l into l minus x, तो इतने का मास हो गया m by l into l minus x। फ्रिक्शनल फोर्स इसी पे लगेगी, म्यू इंटू एन, सो म्यू इंटू एम जी, सो m by l into l minus x into g। अब ये फोर्स और वो फोर्स क्या होगी, बराबर होगी, सो f लिमिटिंग is equals to weight of hanging part, weight of hanging part। F limiting कितना है, नहीं समझ में आया, मैंने कहा कि इस part का जो weight है वो इस part के weight को गिरने से बचाएगा, इस part का जो weight है, sorry इस part पे जो frictional force लग रही वो इसको गिरने से बचाएगी। हमने कहा पूरी length का mass m मान लो, length of chain l मान ली और mass m, तो यूनिट लेंथ का मास m by l, तो x लेंथ का मास m by l into x, तो इतने का वेट कितना हो गया m by l into x into g, ये इसका मास g। अब इतने का मास कितना होगा बेटा, l minus x का मास क्या हो जाएगा, m by l into l minus x। इस तरह का एक सवाल किया था हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले, दो तीन पहले। तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू एम जी ही होगी, और m कितना होगा m by l into l minus x into g। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। यहां से बेटा सॉल्व करना और एक्स बाई एल को फाइंड कर लेना। तो कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, अब ये लगा दो, कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, फ्रैक्शन हैंगिंग, कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है x आउट ऑफ l, l में से कितना हैंग कर रहा है x, ये सुन लो, टोटल लेंथ l है, कितना हैंग कर रहा है x फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, तो x आउट ऑफ l इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन। कई लोग कंफ्यूज कैसे याद रखेंगे किधर म्यू प्लस वन, बड़ा आसान है बेटा, x छोटा होगा l बड़ा होगा, x लेंथ छोटी होगी जो लटक रही है, l लेंथ बड़ी होगी, तो x के सामने छोटा l के सामने बड़ा म्यू प्लस वन। म्यू कितना दिया है सवाल में देखो, अब देखना पड़ेगा म्यू कितना गिवन है, 0.25 खत्म, 0.25 अपॉन 0.25 प्लस वन कितना हो गया बेटा, x बाई एल कितना हो गया 0.25 अपॉन 1.25, पॉइंट पॉइंट हटा 25 ये फ्रैक्शन है बेटा, अपने को परसेंटेज में चाहिए x बाई एल की वैल्यू, सो 1/5 इंटू 100 कर दो परसेंटेज में आ जाएगा, ये तो पता है ना फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20%,
देखो मेथड ये भी सही है, यही मेथड ही है, कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर तुम कॉन्सेप्ट से करोगे तो कॉन्सेप्ट से ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कितनी लेंथ हैंगिंग है, सो मैक्सिमम कितनी लेंथ हैंग हो सकती है, इतनी, ठीक है, मेंटोर जिंदगी, एक्स इज दी मैक्सिमम लेंथ दैट कैन हैंग। चलो बेटा आप समझ लो फ्रिक्शन का एक पार्ट पूरा खत्म हो गया, जहां पे हमने ग्राउंड पे फ्रिक्शन देखा ये सब देखा। अब आते हैं इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लेके, ठीक है। चलो अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स बचा है, जरा ये निपटाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो मैंने तुमको बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बहुत सी कॉन्टैक्ट फोर्स है, है ना। अभी हम दो पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये एक ब्लॉक है विच इज जस्ट अबाउट टू मूव, दिस ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, बस ये चलने वाला है। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन कौन सी लगेगी, हाँ ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव है बेटा, तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी बताएं जरा सभी लोग। ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, इस पे कौन, जस्ट अबाउट टू मूव, तो बेटा एक तो सबसे पहले इसका वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, जस्ट अबाउट टू मूव, अभी मूव नहीं किया है, मूव करने वाला है, एकदम लास्ट मोमेंट पे है, तो लिमिट टूटने वाली होगी, लास्ट मोमेंट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। जस्ट अबाउट टू मूव तो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं हमसे कि आप साहब कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, तो दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगी बेटा, mg तो कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं, इसको हटा ही लेते हैं, mg तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पे है नहीं, जो दो कॉन्टैक्ट फोर्स समझ रहे हो, इन दो सरफेस के बीच की कॉन्टैक्ट वाली फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन, तो बेटा जो रिजल्टेंट होगा वो ये नहीं होगा r, इन दोनों का रिजल्टेंट r। अब ये क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय लैम्डा। आर क्या है बेटा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, दो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर क्या है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज आर, आर इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बेटा ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से बेटा tan lambda की वैल्यू बताओ जरा, tan lambda कितना हो जाएगा, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नॉर्मल इटसेल्फ इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से बेटा tan lambda की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, tan lambda will be perpendicular upon base, इसको उठा के यहां चिपका सकते हो, है ना, ये हो सकता है इस तरह से, ये है lambda बेटा, so tan lambda क्या हो जाएगा, ये क्या है f limiting और ये normal, so tan lambda perpendicular by base, so f limiting by n, बेटा f limiting कितना होता है mu, sorry f limiting कितना होता है बेटा म्यू एस इंटू एन, और नीचे भी क्या है एन, सो एन से एन मर गया, टेन लैमडा इज इक्वल्स टू म्यू एस। तो ये बात याद रखना दैट टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिव्स द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बस ये एक लाइन याद रखना, टेन लैमडा इज इक्वल्स टू म्यू एस, बस ये एक बात याद रखना, सब भूल जाना याद रखना, tan lambda is equals to mu s। कई बजे मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, बर्थडे, ए जी तुम लोग रात को 12 बजे कॉल नहीं करोगे क्या, अभी बर्थडे विश करके सो जाओगे क्या, हैं अभी तो तुम लोग ऐसे दोस्ती 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 नहीं है ना क्या, 12 बजे कॉल नहीं करोगे क्या, हैं चलो आगे बढ़ते हैं, tan lambda is equals to mu s, तो बेटा इसको भूलना नहीं है, ठीक है, जिनको भूलना है उनको भूलो, है ना, जिनको भूलना है उनको तुम भूलो, दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू है जो सांसों में रहते हैं, अपनी सांसों को तुम रोक पाओगे कैसे, है ना, तो ये सब मत करो, भूल जाओ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अरे भूल जाओ भाई,
भूल जाओ। भूल जाओ, कोई और मिलेगा, बेहतर मिलेगा। लाइफ में ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं, मेरी बात समझो, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखो पॉइंट क्या है, तालाब बहुत बड़ा है और तालाब में मछलियां बहुत सारी हैं, ठीक है। तालाब बहुत बड़ा है और तालाब में मछलियां बहुत सारी है, समझ गए बात, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर कल लेना क्लास। हाँ बेटा कल मैं आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारी कल क्लास में लूंगा, डेफिनेटली बच्चा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, चलो बेटा मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन की कहानी स्टार्ट हो गई, पहले स्टार्ट करते हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से। एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन, बेटा ये थीटा है, सबको पता है एम जी के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, यहाँ पे फोर्स लगेगी एम जी, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट कितना होता है एम जी साइन थीटा, और एम जी का ये कॉम्पोनेंट कितना होता है एम जी कॉस थीटा। अरे अभी तो मजा आ रहा होगा तुम लोग को, अभी काम बोर हुए होगा, अभी तो शुरू हुई है कहानी। ये कितना होगा एम जी कॉस थीटा, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है पहला सवाल, एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन, तो बेटा कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ है मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन बाजी, यहां पे कोई फ्रिक्शन बाजी तो नहीं कर रहा है, यहां फ्रिक्शन बाजी नहीं करनी है। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम एम कैंसिल, सो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन कितना हो गया बेटा जी साइन थीटा, सही है। ये फोर्स है डिवाइडेड बाय मास, एम एम कैंसिल, जी साइन थीटा। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अलोंग इंक्लाइन, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अलोंग इंक्लाइन, यहां से छोड़ा किस यहां पहुंचा, कितना टाइम लगेगा। तो बेटा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पढ़ा था 2h by g, याद है, ये याद है, यहां से इसको ड्रॉप किया गया, यहां से इसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम रेस्ट, है ना, फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा याद है टाइम क्या होता था, अंडर रूट 2h by g, है ना। तो इससे जरा दिमाग लगाओ, टाइम क्या होता था, यहां देखो यहां लिखता हूं, कहीं कहां लिखता हूं, कोपचे में, टाइम क्या होता था अंडर रूट 2h by g, यहां बेटा h की जगह क्या आ गया s आ गया, तो अंडर रूट 2s, और बेटा g की जगह क्या आ गया g sin थीटा आ गया। बात समझ में आई, 2h by g यही तो टाइम होता था, अंडर रूट 2h by g, टाइम क्या होता था अंडर रूट 2h by g, है ना। अब h की जगह आप कितना चल रहे हो s, और g की जगह क्या लग रहा है g sin थीटा, तो 2s अपॉन g sin थीटा, खत्म खत्म, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, खत्म भैया। t is equals to अंडर रूट 2s अपॉन g sin थीटा, ठीक है। फिर आए वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, वेलोसिटी क्या होगी, तो याद है वेलोसिटी कितनी होती थी नीचे आते वक्त अंडर रूट 2gh, अब यहां बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2g की जगह g sin थीटा और h की जगह s, तो अंडर रूट 2g sin थीटा into s, क्लियर, एकदम खेल वैसे ही है, क्लियर, एकदम खेल वैसे ही है जैसे पहले हम टाइम कैसे निकालते थे अंडर रूट टू एच बाई जी, तो एच की जगह क्या आ गया इस बार एस आ गया, और जी की जगह जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा वेलोसिटी बॉटम में कितनी होती थी रूट टू जी एच, है ना, ये पढ़ा था हम लोग ने रूट टू एच, जब गिरता था रूट टू जी एच, जी की जगह अब कौन सा एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा, और एच की जगह आप कैसे जा रहे हो एस डिस्टेंस जा रहे हो, क्लियर। वेलोसिटी होती रूट टू जी एच, जब ऐसे गिरते थे रूट टू जी एच, अब g की जगह कौन सा है एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और h की जगह कौन सा डिस्प्लेसमेंट है s, तो 2g sin थीटा into s, क्लियर है। एक बात और समझ लो, चाहे ब्लॉक को यूं गिराऊं चाहे ब्लॉक को यूं गिराऊं फाइनल वेलोसिटी सेम होगी बट टाइम अलग होगा, चाहे ब्लॉक को यूं स्लाइड करने दूं चाहे ब्लॉक को यूं छोड़ दूं, दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी सेम होगी बट टाइम अलग अलग होगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, रफ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है और एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं। बेटा ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर मान लो एक ये मैंने ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, रीजन दो क्यों नहीं गिर रहा। इधर नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रही है, नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रही है पर ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, आई वॉन्ट अ रीजन, बताओ ये रीजन बताओ, ये ब्लॉक यहां पर रखा है इंक्लाइन पे पर ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, नहीं गिर रहा क्यों, नहीं नीचे गिर रहा, mg sin थीटा तो लग रहा है,
ऊपर डेफिनेटली क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे साइड में, ऐसे कुछ 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 इंक्लाइन के अलोंग। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा और झुकाऊं और मोशन स्टार्ट हो गया, यानी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आकर मोशन स्टार्ट हो जाता है और एंगल बढ़ाने पर मोशन तेज हो जाता है। जिस एंगल पर देखो पहले स्टार्टिंग में नहीं चल रहा, जिस एंगल पर मोशन जस्ट स्टार्ट हो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, ठीक है, स्पाउस नहीं रिपोज है, स्पाउस सुन रहे हैं, ये निकाल लेते हो मसाला, एंगल ऑफ रिपोज। देखो बात सुनो बेटा, बेटा मान लो ये एंगल थीटा है, यस मास्टर, यहां फोर्स लगेगी नीचे की तरफ mg, हाँ मास्टर, आओ बेटा आओ भी लो, शीलो शालो कच्चा धागा रेश लड़ा लो, आओ मिलो शीलो शालो कच्चा धागा रेश लड़ा लो, एक पत्ता कच्चा हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी पीने, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई रूट, आगे याद नहीं मुझको, चलो सो क्या है mg sin थीटा, mg cos थीटा होगा उधर, देखो मैं गाने में इतना मगन हो गया, mg sin थीटा, इधर क्या होगा mg cos थीटा होगा, है ना, ये हो गई फोर्सेस, तो इसकी वजह से नीचे आना चाह रहा है, और क्या लगेगी बेटा फोर्सेस, और कोई फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ये, और क्या लगेगी बेटा फ्रिक्शन फोर्स, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग गई, नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर की तरफ क्या लग गई फ्रिक्शन, तो ये सारी फोर्सेस यहां पे लगेंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक मिनट, हाँ तो ऊपर की तरफ क्या लग गई बेटा, ऊपर की तरफ लग गई फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा अब बात करते हैं बेटा कि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी उसकी, अगर हम बात करें एफ लिमिटिंग की तो एफ लिमिटिंग कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन यहां किसके बराबर होगा बेटा एम जी कॉस थीटा के, है ना, देखो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा इस बार एम जी कॉस थीटा, तो आज के लेक्चर में आप ये तो समझ गए कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर एम जी कॉस थीटा, देखो एम जी कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो एफ लिमिटिंग कितना हो गया म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, और बेटा कौन सी फोर्स इसको नीचे गिराना चाह रही एम जी साइन थीटा, है ना, नीचे गिराना चाह रही एम जी साइन थीटा, पर ये नीचे गिर नहीं रहा, पर देखो ये नीचे गिर नहीं रहा, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा, ऊपर म्यू एम जी कॉस थीटा, ध्यान से ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग कितनी है म्यू एम जी कॉस थीटा, और नीचे एम जी साइन थीटा, और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, अब गिर गया, ये क्या हुआ, देखो आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप थीटा बढ़ा रहे हो, नहीं एक कह रहा 45 डिग्री, नहीं नहीं डिसाइड नहीं है, आप थीटा बढ़ा रहे हो, आपने थीटा बढ़ाया 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 गिर गया, क्यों, जरा ध्यान से सोचो बेटा, अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे तो बेटा साइन थीटा बढ़ता है, सोचो दिमाग में सोचो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 0.5, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ता है, यानी एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा कम भी होता है, जरा दिमाग में सोचो, कॉस जीरो 1, कॉस 60.5, कॉस 90 0, कॉस थीटा बढ़ाने पे घट रहा है ना, तो जैसे ही आप एंगल बढ़ाओगे दो चीजें होंगी, जैसे ही आप एंगल इंक्रीज करोगे दो बातें होंगी, आपने थीटा इंक्रीज किया क्या हुआ साइन थीटा बढ़ गया, है ना, थीटा बढ़ाने पे साइन का फंक्शन बढ़ता है और कॉस का फंक्शन घटता है, कॉस जीरो को देखो 1 है, कॉस 60 को देखो कितना है 0.5 है, हाफ होता है, कॉस 90 0, तो बेटा यानी ये फोर्स कम होती जाएगी और नीचे वाली फोर्स ज्यादा होती जाएगी, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हम बढ़ा रहे हैं थीटा बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, एक टाइम पे क्या होगा mg sin थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा, देखो sin थीटा लगातार बढ़ता है, क्लियर है बात, थीटा बढ़ाने पे sin थीटा बढ़ रहा है, तो mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा mg sin थीटा और cos थीटा घट रहा है, तो यानी ये फोर्स घट रही है, थीटा बढ़ाने पे sin थीटा बढ़ रहा है mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, नीचे वाली फोर्स
बढ़ती जा रही है। हमने थीटा बढ़ाया, नीचे वाली फोर्स बढ़ी, थीटा बढ़ाया, नीचे वाली फोर्स, थीटा बढ़ाया, नीचे वाली फोर्स, और ऊपर वाली फोर्स कम भी हो रही है, कॉस थीटा घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। एक टाइम आएगा कब, जब थीटा अल्फा के बराबर होगा, तब mg sin थीटा जो फोर्स नीचे लग रही है वो बराबर कर देगी किसको, उधर f लिमिटिंग को, यानी फ्रिक्शनल फोर्स को, है ना। एक टाइम आएगा जब नीचे लगने वाली फोर्स mg sin थीटा बराबर कर देगी ऊपर लगने वाली फोर्स म्यू mg cos थीटा। कब बेटा, जब थीटा की वैल्यू अल्फा होगी, mm कैंसिल, gg कैंसिल, sin अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू cos अल्फा। बेटा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू s, म्यू s, म्यू s, म्यू s। dj राकेश, dj राकेश, dj राकेश, dj राकेश, dj राकेश, वो काला है, काला है, काला है, वो गोरा है, गोरा है, हाँ, tan alpha is equals to mu s। तो बेटा ये एक ऐसा एंगल है जहां पे ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स जस्ट बराबर होती है और ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, ये एंगल ऑफ रिपोज, ऐसा एंगल जिसमें क्या हो, जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। टेन अल्फा किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर। क्लियर है, क्लियर है, आ जाए इसके सवालों पे, आ जाए इसके, अभी सवाल ऐसा कराऊंगा तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर। अभी अगर कंफ्यूजन है इसमें तो देखो, अभी तीन सवाल से एकदम कंफ्यूजन 100% क्लियर कर देंगे। तीन सवाल, आओ तीन सवाल, आ जाओ तीन सवाल। पहला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, एक ही सवाल है, इसके तीन पार्ट है, माफ करना, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन इफ, पहला पार्ट, थीटा इज लेस देन अल्फा। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बेटा अगर थीटा अल्फा से छोटा है तो क्या मोशन होगा, इफ थीटा इज लेस देन अल्फा तो बताओ क्या मोशन होगा। मेरे ख्याल से तो कोई मोशन नहीं होगा, मोशन तब होगा जब थीटा अल्फा से बड़ा हो, भाई अल्फा पे मोशन स्टार्ट हुआ है और थीटा अल्फा से बड़ा होगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सो थीटा देखो जस्ट अबाउट टू मूव स्लाइड, है ना, जैसे ही थीटा अल्फा के बराबर आया तभी तो ये स्लाइड करना स्टार्ट किया, है ना, स्लाइडिंग स्टार्ट हुई, है ना। तो थीटा लेस देन अल्फा में बेटा क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, इधर बेटा mg sin थीटा ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे बताओ अगर ये रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, बोलो सही है, mg sin थीटा के बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, mg sin थीटा के बराबर। क्लियर हुआ, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इस टाइम, नहीं बेटा लिमिटिंग थोड़ी ना होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना, mg sin थीटा, है ना, जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर फोर्स, बॉडी रेस्ट पे। और क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ऐसा पाप तो करना ही नहीं, जीरो हो जाएगा ये। दूसरी बात बोल रहा है, जब थीटा अल्फा के बराबर, ये क्या होगा बेटा, जब थीटा अल्फा के बराबर तब क्या होगा, तब क्या होगा। ये बच्चा कह रहा है सर थक गया, अरे असल में हुआ ये कि यहां पावर बैकअप काम नहीं कर रहा है और लेक्चर स्टार्ट करते से ही लाइट चली गई थी जब एक बार ब्लिंक किया था, सो तब से ठीक है, आज तो मौसम फिर भी सही है, लाइट्स बहुत होती है ना। सो थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा में क्या होगा बेटा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, कभी कभी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, या कभी कहते हैं यार स्लाइड कर गया जीरो एक्सेलरेशन के साथ, दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, बस इतना पता है इस टाइम। इस टाइम बेटा इधर फोर्स कितनी लगेगी, mg sin थीटा, ऊपर कितनी लगेगी, फ्रिक्शन कौन सा, लिमिटिंग। जब थीटा अल्फा के बराबर है तब कौन सा फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थीटा अल्फा के बराबर तब कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। इस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा, या तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगी, है ना, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, या सेकेंड पॉइंट ये भी लिख सकता है, स्लाइड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड,
अगर ये लिख दे कि इंक्लाइन पे स्लाइडिंग हो रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब बेटा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी फोर्स जीरो होगी नेट, नीचे mg साइन थीटा, ऊपर f लिमिटिंग, तो f लिमिटिंग कितनी होगी बेटा इस टाइम, म्यू mg cos थीटा, और f लिमिटिंग mg साइन थीटा के भी बराबर होगी। भाई ये दोनों फोर्सेस आपस में भी बराबर होंगी, एक तो f लिमिटिंग म्यू mg cos थीटा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल का फॉर्मूला लिख दिया, और इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर भी तो होगी, तभी तो नेट फोर्स जीरो है। इस टाइम पे नेट फोर्स जीरो होती है इंक्लाइन में, नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, और अगर वेलोसिटी है तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर, अगर वेलोसिटी है तो कांस्टेंट, और इस टाइम पे टैन थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, कौन सा म्यू, म्यू एस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है थीटा इक्वल टू अल्फा के केस में, इस टाइम पे टैन थीटा किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है, टैन थीटा किसके बराबर, म्यू एस के बराबर। भाई यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी लेंगे, थीटा ग्रेटर देन अल्फा सी, थीटा ग्रेटर देन अल्फा, अब बेटा क्या होगा, अब होगा मोशन, थीटा ग्रेटर देन अल्फा, अब होगा मोशन, थीटा ग्रेटर देन अल्फा, समझ रहे हो, थीटा ग्रेटर देन अल्फा समझ रहे हो, टी 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 टी, अब नीचे होगा एक्सेलरेशन, अब नीचे होगा एक्सेलरेशन, भैया अब नीचे वाली फोर्स mg sin थीटा बहुत ज्यादा हो गई है ना, थीटा इतना बढ़ाते 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 तुमने लालच में अल्फा को भी क्रॉस कर दिया, अब क्या होगा, mg sin थीटा बहुत ज्यादा हो गई, तो नीचे लगने वाली फोर्स साथियों, नीचे लगने वाली फोर्स होगी mg sin थीटा, और ऊपर लगने वाली फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स, नीचे लगने वाली फोर्स होगी mg sin थीटा, और ऊपर लगने वाली फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सी फ्रिक्शन लगेगा बेटा, लिमिटिंग, क्योंकि अब बॉडी किस में आ गई है, मोशन में, अब काइनेटिक लगना चाहिए, वेरी सॉरी, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, माफ करना, मोशन स्टार्ट हो गया है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सो f काइनेटिक इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू n, n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, सो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्लियर है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एक बच्चा कह रहा है जल्दी खत्म करो, पहले तुम 11th पढ़े नहीं, फिर तुम 12th पढ़े नहीं, फिर तुम ड्रॉप ईयर पढ़े नहीं, फिर तुम यहां आके कह रहे हो जल्दी खत्म करो, ऑपरेशन कैसे करोगे, तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, हैं ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे, ऑपरेशन थिएटर में जाके कहोगे काम करो, बंद कर दो बॉडी, पर सर वो लंग्स तो बाहर रखे थे, वो रहने दो कल लगा देंगे आके, आज का हो गया, आज का ऑपरेशन 1.5 घंटे का, बाकी कल करेंगे, सर वो लंग सर वो बाहर रखा है, हाँ उसको डाल दो फ्रिज में डाल दो, हाँ फ्रीजर में रख दो, हाँ कल कल आगे का ऑपरेशन कल, आज का ऑपरेशन यहीं बंद करते हैं, हाँ आज बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता एक दिन में ऑपरेशन, और सर वो हमें सर कह रहा था कि सर वो पेशेंट का सर वो मतलब सर पेशेंट की किडनी आपने जो इधर की उधर की थी सर वो उसका क्या करना है, रहने दो अभी वैसे ही उसको ऐसे पैक कर दो, कल खोल के फिर कर लेंगे, आज को ऑपरेशन ही पैक पैक, तो ऐसे ही डॉक्टर बनोगे का, सो एफ के कितना होगा, म्यू के इनटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि मोशन में है, तो साथियों एक बात बताओ मुझको, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे को, ये मत कहना ऊपर को, ठीक है, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे को होगा, है ना, तो नीचे आएगा, तो बेटा एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देंगे, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, है ना, मास तो एक ही है बेटा, एफ के कितना हो जाएगा, म्यू के इनटू एमजी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है, एमजी कॉस थीटा, देख चुके हो आप नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एमजी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एमजी कॉस थीटा, तो यहां से a इज इक्वल्स टू नीचे फोर्स कितनी है, mg sin थीटा माइनस ऊपर फोर्स कितनी है, fk अपॉन मास रख दिया, सो a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m, अब जो आ रहा है एक्सप्रेशन वो रटा होना चाहिए, m से m कैंसिल और g हो गया कॉमन, क्या बोला मैंने, m से m कैंसिल और g हो गया कॉमन, तो आया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा,
ये एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन, और ये कब होगा बेटा, जब थीटा ग्रेटर देन अल्फा हो तभी होगा। A is equals to g sin theta minus mu cos theta, g sin theta minus, मेरे लेस खुल गए, लेस बांध लू, g sin theta minus mu cos theta, सभी को क्लियर है भाई, शाबाश, g sin theta minus mu cos theta, this is the acceleration down the inclined plane, इसको आपको remember कर लीजिएगा, क्या करना है, remember कर लीजिएगा, remember कर लीजिएगा, बस बेटा कॉन्सेप्ट की बात करें साथियों तो कॉन्सेप्ट इंक्लाइन प्लेन में इतने ही हैं। साथियों अब हम करेंगे सवाल, आ जाओ, सवाल क्या है, अब ब्लॉक, एक मिनट, सीबीएसई एआईपीएमटी 1993, मेरे को लग रहा है एक दिन जाते जाते मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा। सवाल क्या है, अब ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद स्लोप एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, क्या हिंट मिला आपको, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, At constant speed से तो स्कूटी चलाकर मिलने आती थी, ये नहीं, constant speed का मतलब acceleration zero, acceleration zero का मतलब जितनी ऊपर force उतनी नीची, इसका मतलब कौन सा खेल चल रहा है इस time, angle of repose का खेल चल रहा होगा, constant speed का मतलब it is just about to move, यानी इस टाइम जो tan theta होगा किसके बराबर होगा, mu s, सवाल देखो, the coefficient of kinetic friction is equal to, किसके बराबर हो जाएगा, mu s is equal, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, इन्होंने coefficient of kinetic लिख दिया, मैं यही बोल रहा हूँ कि एग्जाम में वो ये बिलीव करते हैं कि kinetic friction और static friction करीब करीब बराबर है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा बिलीव करते हैं, अभी आप आगे एक सवाल देखोगे वहां पर अलग भी किया है, इन्होंने पूछ क्या लिया, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो साहब यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, यहां से तो क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक आना चाहिए, बट हम लोग मान लेंगे कि वो करीब करीब बराबर है, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, तो इसी को ये म्यू एस इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो ऑप्शन डी, क्लियर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्लियर है सभी को, क्लियर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नेक्स्ट AIPMT 2015, आओ, अ प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट, वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबव अबाउट द अदर एंड, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, यहां पे कुछ है अपने पास, यहां पे कुछ डेटा है अपने पास, As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, जो ही angle 30 degree पहुंचता है, the box starts to slip. इसका मतलब क्या है कि जो 30 degree है वो का है, वो angle of repose है कि नहीं, यही तो पता चला, as the angle of inclination with, as the angle of the inclination with the horizontal reaches 30 degree, जो ही angle of inclination 30 degree को पहुंचता है, the box starts to slip, तुरंत slipping start होती है, and slides 4 meter down the plank in 4 second, the coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be, क्या निकालना है, The coefficient of the static and the kinetic friction. तो देखो यार coefficient of static friction तो तुरंत निकलेगा। देखो यार दोस्त coefficient of static friction के लिए बहुत आसान काम है। क्या करेंगे बेटा हम लोग? Angle of repose तुमको पता है। तो angle of repose पता है तो tan theta is equals to mu h कर देंगे, है ना? Tan theta is equals to mu h. तो tan 30 is equals to mu h कर देंगे। तो बेटा tan 30 कितना होता है? Tan 30 होता है 1/√3. तो ऊपर नीचे बेटा रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, ऊपर रूट थ्री हो गया, नीचे थ्री हो गया। पहले बात सुनो, क्वेश्चन दोस्त यार बहुत आसान है। देखो यार दोस्त क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट, वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, बॉक्स तुरंत स्लिप किया, and slides 4 meter down the plank in 4 second, the coefficient of static and kinetic friction, तो static friction तो अपन को समझ में आ गया, angle of repose कितना है 30, है ना, as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree the box starts to slip,
एंगल ऑफ रिपोज मिल गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू कर दिया अपन ने, म्यू एस कितना हो गया, ये कौन सा म्यू आता है, म्यू एस आता है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा इज 1/√3, तो √3 √3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 1.732 डिवाइड बाई 3, सो ये हो गया 0 3 5 15 0 3 5 15 23 3 7 21 22 3 7 21 0.577। तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है, नहीं 0.6, हाँ 0.577, 0.5 के पास तो है नहीं, अप्रोक्स करेंगे तो 0.6 लिख सकते हैं, यानी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। तो या तो ये ऑप्शन सही या तो यही। अब बेटा अगर कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है तो काइनेटिक 0.6 तो हो नहीं सकता, काइनेटिक उससे कम होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। लास्ट वाला भी सही नहीं हो सकता क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, काइनेटिक कम होता है। खत्म, आया समझ में, तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, खत्म, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक निकाल लिया 0.6। अब तुम्हें पता है जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक है वो क्या है, स्टैटिक से कम है, तो 0.6 का एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और काइनेटिक क्या होगा, स्टैटिक से कम होगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन क्यों दी थी, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड। सोचना इस क्लास के बाद, ये सोचना कि ये लाइन क्यों दी थी, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड। सोचना, इससे भी आंसर आएगा, इसलिए दी थी। अपन दिमाग लगा के भी आंसर मार सकते थे और इससे निकाल भी सकते थे, ये अपन ने थोड़ा सा मेंटोज मेथड लगा लिया, अपन ने थोड़ा सा सोच लिया कि यार काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो स्टैटिक से ज्यादा होता है, तो अरे स्टैटिक से कम होता है, तो 0.5, अदरवाइज यहां से भी म्यू के की वैल्यू आएगी, है ना, पर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाई ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, रेस्ट से छोड़ा गया है, ये कैसा इंक्लाइन प्लेन है बेटा, रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है बेटा। मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा डाउन द इंक्लाइन, हम मान के चलेंगे यहां पे मोशन हो रहा है, हम मान के चलेंगे मोशन हो रहा है, सो एक्सेलरेशन कितना आया था, जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन था अलोंग द इंक्लाइन, यही था एक्सेलरेशन, मैंने कहा था इसको याद कर लो, एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो बेटा टाइम को कैसे निकालोगे, एनालॉगी से निकालो, एनालॉगी पुराना फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, तो तब h हाइट नीचे गिरते थे और एक्सेलरेशन कितना होता था, जी होता था। अभी बेटा h हाइट नीचे नहीं गिरे हैं, देखो एनालॉगी से निकालो, 2h बाई जी कब होता था, जब h हाइट नीचे गिरते थे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता था, जी होता था। अभी आप s डिस्टेंस गिरे हो और एक्सेलरेशन कितना है, ये है, तो इस टाइम टाइम क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2s अपॉन, समझ गए, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा, ये किसमें बेटा टाइम निकाला आपने, रफ इंक्लाइन प्लेन में, रफ इंक्लाइन में, अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता तो, यहीं पे अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता तो तब टाइम कितना होता, अंडर रूट, सही बात है, स्मूथ में क्या होता, अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा, रफ में क्या हो गया, अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। क्लियर, अंडर रूट 2h बाई जी, ये एनालॉगी पकड़ लो, एच की जगह कितना गिर रहे हैं, s, स्मूथ में कौन सा एक्सेलरेशन था, जी साइन थीटा, तो अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा।
और रफ में कितना एक्सेलरेशन है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो हमने जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। क्लियर है? एक बार हो जाए यार, बहुत देर हो गई है, क्लास के आखिरी आधे घंटे मेरे ख्याल से बचे होंगे। मैंने आज कहा था चाहे आधे घंटे क्लास हो चाहे दो घंटे, पूरा फ्रिक्शन खत्म पे है ना, ब्लॉक एंड ब्लॉक बचा, लास्ट में मजा आ जाएगा, थोड़ा इंक्लाइन के एक दो सवाल और, एक बार हो जाए। बोलो साचे दरबार की, अरे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, जय। अच्छा थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। बोलो शेरावाली माता की जय, एनर्जी वापस आएगी। ठीक है, सभी लोग अपने अपने धर्म के जयकारे लगा सकते हैं, सभी को अलाउड है ना, आप बता सकते हैं, मैं आपके धर्म के जयकारे भी लगा दूंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे आप अपना दोस्त समझे, अपना हमदर्द समझे, मुझे अपना आप टीचर समझे। ठीक है, मेरा बच्चा जिस धर्म का है मैं उसी धर्म का हूँ, मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है शिक्षक। हा 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 हा, चलो, एक ही धर्म है हम सबका, इंसान। इंसानियत को धर्म समझ ले इंसान, और इंसानियत को समझ के यदि आप रोज सुबह 5 बजे उठें, पढ़ाओ मास्टर, ये सब करने के लिए दीदी लोग हैं, चलो आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए, अरे दीदी मतलब वाली दीदी नहीं देखी है आपने, जो वो आती हैं वो सुबह सुबह 5 बजे। सी लाइफ इज एम्प्टी, सो वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चूहा खाना बंद करो, वापस कहानी स्टार्ट करो, आ जाओ। सवाल, AIPMT 1988, बस सर, हमारे पापा लोग नीट दे रहे हैं सर, बस करो, कहाँ जा रहे हो आप। 1988 अभी ले आओगे दादाजी के जमाने का मेडिकल का सवाल है। चलो फिर दादाजी ये नहीं बोल पाएंगे ना जो वोकल मारते, हमारे जमाने में सवाल आते थे, बोलो कर लिया आपके जमाने के भी सवाल। ठीक है, हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस क्वेश्चन नाउ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम It takes to slide down the same distance in the absence of friction. ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। Starting from rest, a body slides down a 45 degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन दैट सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल थीटा है, मान लो एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में टाइम टी लगा, तो ये कह रहे हैं कि जब फ्रिक्शन आ गया, ये कह रहे हैं मान लो स्मूथ में टाइम टी लगा, तो ये कह रहे हैं जब रफ सरफेस हो गया और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है दोनों बार, तब टाइम कितना लगा, 2t लगा। यही तो बोल रहे हैं कि जब रफ सरफेस आ गया है ना। अब पढ़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। कि एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में अगर आप टी टाइम में नीचे आए तो फ्रिक्शन के साथ आपको 2t टाइम लगा। यही तो बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन In twice the time, it takes down to slide the same distance in the absence of friction. देखो ऐसे लिखेंगे, T in rough incline is equals to T on rough incline is equals to 2 times of T on smooth incline. T on rough incline is 2 times of T on smooth incline. T on rough कितना हो जाएगा बेटा? ये मान लो distance S है, तो rough में कितना हो जाएगा? Under root 2S upon G sin theta minus mu k cos theta is equals to 2 times of under root 2S upon smooth कितना होगा? G sin theta. बेटा क्या क्या कट जाएगा? 2S से 2S कट जाएगा, G से G भी कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा, मेरे पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन साइन थीटा। बोलो सही है,
t on rough inclined plane is 2 times of t in smooth inclined plane. Rough पे जो टाइम लगेगा वो स्मूथ का डबल लगेगा. तो t on rough is 2 times of t on smooth. तो t on rough क्या था? Under root 2s upon g sin theta minus mu के cos theta. और smooth क्या था? Under root 2s upon g sin theta. Smooth में सिर्फ क्या लग रहा था? g sin theta. Under root 2h by g से compare करो. h की जगह s और acceleration यहाँ पे क्या होगा? g sin theta. फिर हमने कहा 2s cancel, g cancel, दोनों तरफ square किया बेटा. स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. इधर स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर 4 अपॉन साइन थीटा. आगे बढ़ाते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू के 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन क्या आया है बेटा साइन थीटा. ठीक है साइन थीटा को इधर ले आओ. 4 is equals to sin theta upon sin theta minus mu के cos theta. बड़ा अजीब सा expression है. ऊपर नीचे cos theta से divide कर दो. ऊपर नीचे cos theta से divide कर दो. तो ऊपर नीचे cos theta से divide. Sin theta by cos theta. नीचे भी sin theta by cos theta minus mu के cos theta by cos theta. ऊपर नीचे cos theta से divide कर दिया. अब देखो क्या आया. 4 is equals to sin theta by cos theta tan theta और नीचे क्या आ गया sin theta by cos theta tan theta minus cos theta cancel mu के. अब बेटा theta की value put कर दो. theta की value कितनी है 45 degree. tan 45 1 हो जाएगा. so 1 upon 1 minus mu के. इसको इधर ले आओ 1 minus mu के is equals to 1 by 4. यहां से mu के की value बेटा कितनी हो जाएगी 1 minus 1 by 4. तो 4 minus 1 कितना हो गया 3 by 4 यानी 0.75. क्लियर है 1 minus 1 by 4 कितनी हो गई 3 by 4 यानी 0.75. क्लियर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज क्लियर. क्लियर मेंटोस मेथड हो जाएगा. क्या कहती है पब्लिक? क्या बोल दी पब्लिक? मेंटोस मेथड हो जाएगा क्या? क्या लगता मेंटोस मेथड हो जाएगा? लंबा सवाल था. शॉर्ट कट कहां है इसका? शॉर्ट कट आओ भैया मेंटोस मेथड हो जाए. 1 2 3 मेंटोस मेथड. ये थी आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी. ये क्या थी बेटा? आम जिंदगी. ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी. है ना मेंटोस वाले अब तो पैसे दे दो मेरे को, इतना प्रमोशन किया मैंने. चलो मान लो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में आपको टाइम टी लगता है और रफ इंक्लाइन प्लेन में आपको टाइम एन टी लगता है और यहां पे ये बात जाहिर है कि दोनों टाइम पे जो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस है वो सेम है, थीटा है वो सेम है, यानी इंक्लाइन क्या होना चाहिए? सेम. सो इंक्लाइन प्लेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर इंक्लाइन प्लेन सेम है, आपको स्मूथ में टाइम लगा टी, आपको रफ में टाइम लगा एन टी, देन म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा. खत्म. आपको स्मूथ में टाइम लगा टी, आपको रफ में टाइम लगा एन टी, देन म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा, देन म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा. देखो बेटा रफ में टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा. क्यों? घिस घिस के चलोगे धीमे नहीं हो जाओगे? एक्सेलरेशन कम है ना. जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा कम हो गया है ना. तो रफ में हमेशा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय बीत गया. तो यहां टी लगा तो यहां एन टी लगेगा. ठीक है म्यू क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टेन थीटा. चाहो तो चेक कर लो. तो चेक अगर हम करें म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टेन थीटा. पिछले सवाल में बेटा एन कितना था? 2. यहां टी लग रहा था, यहां 2t लग रहा था. ध्यान से देखें साथियों, यहां t लग रहा था, यहां 2t लग रहा था. तो n की वैल्यू 2 थी. सो 1 माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर इंटू टेन थीटा. 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4. सो 1 माइनस 1 बटे 4 और टेन 45, टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई. 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4. क्लियर है एकदम? शाबाश. क्लियर?
एक बच्चा कह रहा है आज केमिस्ट्री क्लास भी है। बेटा तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे ऑफलाइन कोचिंग का जमाना हुआ करता था कि सर अब यहां से वहां जाने दो वरना वो क्लास तो छूट जाएगी। तुम्हें ये पता है तुम कितनी बेइज्जती कराते हो अपनी पूरी दुनिया के सामने। ये बातें तुम घर पे जब तक बोल रहे थे माँ बाप के सामने दोस्तों के सामने लिमिटेड बेइज्जती थी, दैट वॉज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी तुम मोशन में आ गए हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करा रहे हो तुम अपनी। तुमने दिल खोल के पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करा दी कि सर उधर भी क्लास है, उधर भी अटेंड करना है, इधर की क्लास तो छूट जाएगी। तुम्हें दिल में पता है नहीं छूटेगी, पर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी आज तक दुनिया में बेइज्जती नहीं हुई है, घर की बेइज्जती बहुत कम है, नींद नहीं आती है तो बहुत कम बेइज्जती है, चलो दुनिया में बेइज्जती कराते हैं, मेरे को दुनिया वाले बेइज्जत क्यों नहीं करते, ए मेरे को बेइज्जत करो, है ना। सो बेटा व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई सन, ओ यू सन ऑफ गॉड, व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस अर्थ इज अ होली प्लेस, मेक इट योर प्लेस, बी काम। समझ में आया बच्चा, है ना, थोड़ा मेडिटेशन करो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार दोस्त अगला सवाल फिर आ गया। अब यार दोस्त सवाल क्या है, अ ब्लॉक मास एम के जी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन सच दैट इट जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ एफ इज। देखो बढ़िया सवाल है ये। अभी तक तुमने क्या देखा कि ब्लॉक नीचे गिर रहा था, अब जरा सवाल पढ़ो। अ ब्लॉक मास एम के जी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन एज शोन इन द फिगर सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। कॉन्सेप्चुअल बेटा, सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो इन सही होगा। सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ एफ इज। बताएं बच्चों एफ की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें बच्चों अपना आंसर, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें बच्चों, हमारी संस्था आपका आंसर चेक करेगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप कर दें बच्चों। बी लिख रहे हैं बच्चे, ए भी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर से। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे? हाँ, द वैल्यू ऑफ एफ इज। देखो बेटा क्या सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम के जी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइन एज शोन इन द फिगर सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। तो बेटा मोशन ऊपर हो रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, ये बात मत भूलना। मोशन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज, देखो ध्यान से पढ़ो, सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग किधर, अपवर्ड। अगर बेटा ये ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन का कोई ईमान धर्म नहीं है, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है वो, है ना। सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, मोशन ऊपर है। तो बेटा नीचे mg sin थीटा तो लगता थी था, अब नीचे और क्या लगने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, mg sin थीटा भी नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन और जस्ट स्टार्ट्स। तो बेटा जस्ट स्टार्ट्स का मतलब क्या है, यहां से क्या निकल रहा है, मतलब जस्ट स्टार्ट्स का मतलब है कि एक्सेलरेशन अभी जीरो होगा, यानी नेट फोर्स जीरो होगी। देखो कॉन्सेप्ट निकालने थे तुमको, इस लैंग्वेज से तुमको कॉन्सेप्ट समझने थे। एक तो मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, मोशन ऊपर तो फ्रिक्शन नीचे। दूसरा लिखा है जस्ट स्टार्ट्स, जस्ट स्टार्ट्स का मतलब एक्सेलरेशन कितना है, अभी जीरो है, कहने का मतलब नेट फोर्स कितनी है, जीरो, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट हुआ है तो एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो ऊपर एफ, नीचे ये और ये, सो एफ इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है बेटा, म्यू के इंटू एन प्लस एम जी साइन थीटा। बेटा यहाँ पे एन किसके बराबर होगा, फोर्स का कोई वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो है नहीं, तो एन एम जी साइन कॉस थीटा के बराबर ही होगा, ये सुन लो। देखो ये होगा एम जी, ये होगा एम जी कॉस थीटा और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां कोई और वर्टिकल फोर्स तो है नहीं, मतलब वर्टिकल टू इंक्लाइन, तो एन एम जी कॉस थीटा के बराबर, सो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। सो आंसर है बी, बहुत बढ़िया, क्लियर हुई बात। तो फ्रिक्शन बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा ऊपर को लगे, फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है। फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है,
अगेंस्ट रिलेटिव मोशन। अब जितने लोगों ने लेक्चर यहां पे छोड़ दिया उनको क्या लगा कि फ्रिक्शन इंक्लाइन वेव में हमेशा चढ़ा दो ऊपर, एग्जाम में भी चढ़ाई करके आ जाएंगे, फिर क्या होगा, लॉन्च उम्मीद 2022, फिर यही होगा और क्या होगा। बात समझ में आ गई? चलो क्लियर। चलो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, तो बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होते हैं फ्रिक्शन के अंदर, और इसको मैं वन ऑफ द मोस्ट इजी प्रॉब्लम्स आपके लिए आज बना के जाऊंगा। यहां से अगले 30 से 40 मिनट आपको मेरे को देने होंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम होंगे। इसमें आपको दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वगैरह निकालना होता है, इसका मैं आपको 3 से 4 बढ़िया सवाल करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, और प्रैक्टिस शीट में इसके सवाल जरूर अटेम्प्ट करेंगे, तभी मजा आएगा। प्रैक्टिस शीट में इसके सवाल जरूर अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट किया जाए ब्लॉक ऑन ब्लॉक। नीट का आया हुआ एक भी सवाल आपसे नहीं फंसेगा, नीट में एक भी सवाल ब्लॉक ऑन ब्लॉक का नहीं आया, तो फिर लोग क्यों पढ़ा रहे हैं इतना ज्यादा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, इमेज बनाने के लिए, तुम भी इमेज बनाओगे, जरूरी है। सो ब्लॉक एंड ब्लॉक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ब्लॉक ऑन ब्लॉक में क्या होता है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एंड आपको बहुत मजा आएगा इसमें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 30 साल में एक भी सवाल इसका आया नहीं है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही मेरे ख्याल से। सो अच्छा, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आ सकता है कभी सवाल, एम्स में आते थे इसके सवाल, ठीक है, मैं एम्स का सवाल लेके भी आया हूँ जो आया हुआ है ब्लॉक एंड ब्लॉक का, ठीक है। तो जब आएगा तो बहुत बेसिक सवाल आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं। क्या ब्लॉक एंड ब्लॉक में क्या होता है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग पूछता है, ठीक है। आ जाओ, दोनों ब्लॉक का क्या पूछता है, अलग अलग एक्सेलरेशन पूछता है। तो आपको मैं कुछ स्टेप्स बता दूंगा, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले फाइंडिंग नॉर्मल रिएक्शन। बेटा एक बात बताओ कि इस सरफेस यहां पे, अच्छा इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, M1 M2 पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, लेट इट बी N, और M2 M1 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, लेट इट बी N। मुझे ये नॉर्मल रिएक्शन जानना है कितना है। देखो M1 के ऊपर कौन रखा है, M2, तो नीचे किसका वेट लग रहा होगा, M2 का, तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, M2G के बराबर होगा। बात समझ में आई? यहां किसका वेट लग रहा होगा, M2G, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इन दो सरफेसेस के बीच का, वो किसके बराबर होगा, M2G, सीधा पकड़ो। और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा लास्ट में, इसके ऊपर कितना वेट लग रहा है, M1 और M2G दोनों का लग रहा है। बात समझो बेटा कि यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो सरफेस है इस पे कौन सा वेट लग रहा है, M2G, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, M2G के बराबर। भाई इस पे M2G लग रहा है, इस सरफेस पे, इस बॉडी पे M2G नीचे लग रहा है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, M2G। यहां पे देखो बेटा M1 प्लस M2G दोनों नीचे लग रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा यहां पे, M1 प्लस M2G को, क्लियर। इसको N1 बोल देते हैं, N1 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है। जरा एक एग्जांपल एक करके देखते हैं, चलो बेटा N1 N2 बताना, ठीक है। यहां नॉर्मल रिएक्शन N1 N2, चलो मुझे N1 N2 जल्दी से बता दो, N1 N2 जल्दी से बता दो, N1 N2 जल्दी से बता दो, N1 N2 बेटा, N1 किसके बराबर होगा, 2G नीचे लग रहा होगा, N1 ऊपर, कितना हो जाएगा, 2G के बराबर, 20 न्यूटन बोल सकते हो। और N2 किसके बराबर होगा बेटा, कौन लग रहा है, 2G और 4G दोनों नीचे लग रहे हैं, तो N2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6G के बराबर, 60 न्यूटन, बोलो क्लियर है, क्लियर है। 20, 60 सभी का आ गया, 20, 60 सभी का आ गया, 20, 60 सभी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो 2G 6G, अब देखो स्टेप्स टू सॉल्व ब्लॉक ओवर ब्लॉक, स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ब्लॉक हैविंग फ्रिक्शन फोर्स एज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे टारगेट ब्लॉक। सबसे पहले टारगेट ब्लॉक को ढूंढो, टारगेट ब्लॉक क्या है बेटा, टारगेट देखो ये मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये पूरा मेंटोस मेथड भी बोल सकते हो इसको, तुम बहुत तगड़ा मेंटोस मेथड है, और ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद से डेवलप किया गया है, जिसको क्लेम करना है पुरानी वीडियोस दिखा के क्लेम करेगा,
और उसके बाद मैं यकीन की डेट्स दिखाऊंगा कि ये यकीन बैच में कब पढ़ाए गए हैं। अब बात होगी साफ साफ। चलो सो मेंटोस जिंदगी मेथड क्या है इसका, आओ देखते हैं। मेंटोस जिंदगी मेथड क्या है? आइडेंटिफाई ब्लॉक हैविंग फ्रिक्शन फोर्स एज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। सबसे पहले देखो इसका जो एक्चुअल मेथड है वो ये होता है कि नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स जब लगती है तब हम सूडो मेथड से सॉल्व करते हैं, और ऊपर वाले ब्लॉक पे जब फोर्स लगती है तब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बना के सॉल्व करते हैं, और जब दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगती है तब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों का निकाल के डिसीजन लेते हैं कि कौन सी बॉडी लिमिटिंग को तोड़ रही है। तो एक्चुअल मेथड इसका ये है। वो एक्चुअल मेथड में पढ़ाऊं तो डेढ़ दो घंटे का टॉपिक हो जाएगा सवाल कराते कराते, एक पूरी क्लास है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको शॉर्ट में करते हैं। आइडेंटिफाई ब्लॉक हैविंग फ्रिक्शन फोर्स एज दी ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। टारगेट ब्लॉक, दो में से वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स लग रही हो। दो में से वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स लग रही हो। स्टेप टू, फाइंड एफ लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स के बीच का एफ लिमिटिंग निकाल लो। एफ लिमिटिंग कितना होगा बेटा, म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन उन दो ब्लॉक के बीच का ही लोगे। फाइंड एफ लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स, म्यू एस इंटू एन। पहले आइडेंटिफाई करो उस ब्लॉक को जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स हो, उसके बाद एफ लिमिटिंग फाइंड करो। देन कैलकुलेट ए मैक्स फॉर टारगेट ब्लॉक, जो टारगेट ब्लॉक था उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। फाइंड कैलकुलेट ए मैक्स फॉर टारगेट ब्लॉक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर बोथ ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। ए मैक्स क्या होगा, एफ लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास। देखो तीन स्टेप है, पहले इन तीन स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तीन स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, टारगेट ब्लॉक पकड़ना है। टारगेट ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, टारगेट ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसपे सिर्फ क्या लग रही हो, फ्रिक्शन फोर्स। हैविंग फ्रिक्शन फोर्स एज दी ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। दूसरे स्टेप पे आपको F लिमिटिंग निकालना है। F लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, किसके बीच में, दो ब्लॉक के बीच में। फाइंड F लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स के बीच का F लिमिटिंग निकालना है। फिर क्या करना है आपको, कैलकुलेट A मैक्स फॉर टारगेट ब्लॉक। क्या करना है आपको, टारगेट ब्लॉक का क्या निकालना है, A मैक्स। अब A मैक्स क्या होता है, F लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास। A मैक्स बेटा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ए मैक्स फॉर टारगेट ब्लॉक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर बोथ ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक के साथ साथ चलने की ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी, एफ लिमिटिंग अपॉन टारगेट का मास। टारगेट ब्लॉक कौन सा है जिसपे फ्रिक्शनल फोर्स ही एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। टारगेट ब्लॉक कौन सा है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स ही एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स है। फिर क्या निकालेंगे, एफ लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक, μs into n। फिर क्या करेंगे बेटा, a max find करेंगे। a max क्या होगा, target block को बनाएंगे, उस पे f limiting लगाएंगे, आगे लगे पीछे लगे। फिर a max is f limiting upon target mass। फिर क्या करेंगे बेटा, next find f max for both block to move together। ये maximum force है जब तक दोनों block साथ में move करेंगे। f max क्या है, m1 plus m2 into a max। सवाल कराएंगे भी, practice भी। f max क्या है, m1 plus m2 इंटू ए मैक्स। इस फोर्स तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफ मैक्स, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन नेट मास। मतलब देर इज नो रिलेटिव मोशन। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, और वो क्या होगी, एफ नेट अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, जो टोटल फोर्स लग रही होगी दोनों ब्लॉक पे मिलाकर, और जो टोटल मास होगा दोनों ब्लॉक को मिलाकर। ये कब होगा, अगर अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से छोटी है। दूसरी बात क्या हो सकती है, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, जो अप्लाइड फोर्स दे रखा है वो एफ मैक्स से बड़ी आ जाए, तब क्या करें, ट्रीट ईच ब्लॉक इंडिविजुअली, use Newton's laws of motion and find their acceleration। अगर दी हुई फोर्स आपकी निकाली हुई F max से ज्यादा है, इसका मतलब अब दोनों साथ में नहीं चलेंगे। F max वो मैक्सिमम फोर्स है, F max
वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। एफ मैक्स वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अगर दी हुई फोर्स एफ मैक्स से छोटी है तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अगर दी हुई फोर्स एफ मैक्स से ज्यादा हो गई तो अब दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। क्लियर? एफ मैक्स कैसे निकालते हैं, एफ मैक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करना है बेटा, टारगेट पकड़ना है। टारगेट ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है? जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन हो वो टारगेट ब्लॉक है। फिर क्या करेंगे बेटा आप, एफ लिमिटिंग निकालेंगे, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले टारगेट ब्लॉक जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, फिर एफ लिमिटिंग निकालेंगे म्यू एस इन टू एन। फिर क्या करेंगे बेटा आप, ए मैक्स निकालेंगे। ए मैक्स क्या है, टारगेट ब्लॉक को ले लो और टारगेट के ऊपर क्या लगा लो, एफ लिमिटिंग लगा लो। ए मैक्स क्या होगा, एफ लिमिटिंग अपॉन टारगेट का मास। फिर एफ मैक्स निकालोगे आप, एफ मैक्स बहुत आसान है बेटा, टोटल मास एम वन प्लस एम टू इंटू ए मैक्स। बस अब इसके बाद देख लेना, दी हुई फोर्स अगर एफ मैक्स से छोटी है यानी दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। दी हुई फोर्स एफ मैक्स से ज्यादा है दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। सवालों पे आ जाएं, सवालों से समझ में आएगी कहानी। चलो पहला सवाल लिया मैंने, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड कैपिटल एम इज म्यू एस। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है इनके बीच में, म्यू एस है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड एम इज म्यू एस। What is the maximum force that can be applied to M so that the block remains at rest relative to each other? सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल क्या पूछ रहा है? What is the maximum force that can be applied to M so that blocks remains at rest relative to each other? Maximum force क्या लगा सकते हैं M पे so that block remains at rest relative to each other? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के रिलेटिव में मूव ना करें, यानी साथ साथ चले। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। हम साथ साथ हैं, है ना? व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एम सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करें, साथ में मूव करें। एफ मैक्स निकालना है बेटा, स्टेप्स फॉलो करते हैं एफ मैक्स की। स्टेप नंबर वन, टारगेट ब्लॉक ढूंढो बेटा। टारगेट ब्लॉक वो जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो, टारगेट ब्लॉक वो जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। बेटा इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग गई, अब देखो आप इस पे चूहा बनकर बैठ जाओ। जरा ध्यान से देखो, जब ये आगे बढ़ेगा तो एम पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो ये M पे आगे की तरफ क्या लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? देखो पहले समझो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ। फ्रिक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो इस पे फोर्स F लगी, ये आगे बढ़ा, आप इस पे चूहा बनकर बैठ गए। आपने नीचे वाले ब्लॉक को देखा, वो किधर छूट रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये उसको किधर बुलाएगा, आगे बुला लेगा। बात समझ में आई। आप चूहा बन के इसके ऊपर बैठे, आपने जब नीचे वाले ब्लॉक को देखा वो पीछे भाग रहा है और कहां जा रहा है, चल आगे। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का फ्रिक्शन उतना ही बड़ा दुश्मन है जितनी बड़ी दुश्मन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मोबाइल की है, उतना ही बड़ा दुश्मन, हाथ में देख नहीं सकती। तो वैसे ही अभी, अरे तू पीछे कैसे जा रहा है, चल आगे, तो आगे फ्रिक्शन लगा दिया है। इसके ऊपर चूहा बन के बैठे आप, नीचे वाले हमको देखे, ओए तू पीछे जा रहा है, ओए तू पीछे जा रहा है, पीछे कैसे जा रहा, आगे चल। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगी, आगे। कई बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, बेटा एक एग्जांपल देखो सब समझ में आएगा। हमसे क्या पूछा है सवाल में, एफ मैक्स पूछा है, मैं तुमको एफ मैक्स निकालना सिखा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ स्टेप वन, सबसे पहले टारगेट ब्लॉक ढूंढेंगे। टारगेट वो होता है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो,
हॉरिजॉन्टल में सिर्फ फ्रिक्शन हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स में सिर्फ फ्रिक्शन हो। आ जाओ अब यहां पे आओ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन सोचते हैं दोनों ब्लॉक पे आराम से। तो आप बेटा चूहा बन के इसके ऊपर बैठ गए, ठीक है। आपने नीचे वाले ब्लॉक को देखा किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, क्योंकि आप तो भाई एफ फोर्स से आगे जा रहे हो, तो नीचे वाले की टेंडेंसी पीछे जाने की है, तो आपको खिसक रहे हो, तो आप नीचे वाले को, नीचे वाले ने आपको देखा, आप किधर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो आप पे फ्रिक्शन, पीछे, तो दोनों बॉडीज पे फ्रिक्शन लगता है बेटा। फ्रिक्शन कहां लगता है, दोनों पे, ये नहीं कि एक ही बॉडी पे फ्रिक्शन लगा दिया। फ्रिक्शन कहां लगेगा, दोनों बॉडीज पे लगेगा, है ना। फ्रिक्शन सरफेस पे लगता है बट दोनों बॉडीज पे। आप यहां पे आओ, पहले आप यहां चूहा बन के बैठ जाओ। यहां से आपने ऊपर वाली बॉडी को देखा किधर जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। तू रिलेटिव मोशन कैसे कर रहा है, तू आगे कैसे जा रहा है, चल पीछे। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। नीचे वाले ने ऊपर देखा, तू आगे कैसे जा रहा है, चल पीछे। तो इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ। फिर आप यहां चूहा बनकर बैठे, आपने नीचे वाले को देखा, आप तो भैया चल पड़ी आपकी तो डोली, चलो रे डोली उठाओ, आप तो चल पड़े हो। आप नीचे वाले देखा, तू पीछे जा रहा है, तू पीछे जा रहा है, तुम्हें अब चल आगे। तो इस पे फ्रिक्शन लगा इधर। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम की कैपिटल एम, किस पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है, किस पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है, स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम की कैपिटल एम, बताएं। स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम की कैपिटल एम, हाँ बताएं, स्मॉल एम की कैपिटल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम पे कहां से फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन बोल रहे हैं बेटा। स्मॉल एम पे तो देखो कैपिटल एफ, ये फोर्स भी है, ये फोर्स भी है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स किस पे है, कैपिटल एम। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आना चाहिए यार, रिलेटिव मोशन इतना तो आना चाहिए। कई लोग स्मॉल एम लिख रहे हैं, स्मॉल एम पे तो बेटा देखो आगे वाली फोर्स भी है, ये भी है, नीचे वाले पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। डायरेक्शन समझ में आया, यहां बैठ के इस पे डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है तू, आगे क्यों जा रहा है, रिलेटिव मोशन, पीछे चल, फ्रिक्शन फोर्स पीछे। ऊपर वाले बैठ के नीचे वाले देखे, तू पीछे क्यों जा रहा है, रिलेटिव मोशन क्या है, जिसको नीचे देख रहे हैं, तू पीछे क्यों जा रहा है, तू आगे चल। तो हमको टारगेट ब्लॉक मिल गया कैपिटल एम, टारगेट कौन सा है हमारा, कैपिटल एम वाला। तो ये रहा टारगेट ब्लॉक, ठीक है। अब आपको सेकंड स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आपको एफ लिमिटिंग निकालना है दो ब्लॉक के बीच का, बिटवीन ब्लॉक्स, इनके बीच का एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होगा बेटा, म्यू एस इन टू एन, इनके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा यहां पे नॉर्मल रिएक्शन यही तो लोगे, जो इन दो सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है, यहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg के बराबर, यस और नो, क्या नॉर्मल रिएक्शन दो सरफेस के बीच का किसके बराबर होगा, mg के। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा, म्यू एस इंटू एम जी। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, ए मैक्स निकालना है। ए मैक्स किस पे निकलता है, टारगेट ब्लॉक पे। टारगेट ब्लॉक कौन सा है आपका, एम है। इस पे बेटा देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, फ्रिक्शन आगे दिख रहा है, एफ लिमिटिंग। ए मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन मास। एफ लिमिटिंग कितना है बेटा, म्यू एस इंटू एम जी अपॉन कैपिटल एम। चौथा स्टेप क्या है बेटा, एफ मैक्स निकालोगे। एफ मैक्स क्या था, एम वन प्लस एम टू इंटू ए मैक्स, राइट। So, M1 कितना है, स्मॉल m, M2 कितना है, कैपिटल M, इंटू ए मैक्स। ए मैक्स कितना है, ए मैक्स कितना है, म्यू एस इंटू एम जी अपॉन कैपिटल M, क्लियर, म्यू एस इंटू एम जी अपॉन कैपिटल M। ये मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, इस फोर्स तक दोनों
साथ साथ चलेंगे। इससे छोटी फोर्स लगाओगे तो भी दोनों साथ चलेंगे, इतनी फोर्स लगाओगे तो भी, इससे बड़ी फोर्स लगाओगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे। क्लियर 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 है? यस और नो? क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो कितनी हो गई? m प्लस एम इंटू म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल m, m प्लस एम इंटू म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल m, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। चार स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करो, आप टारगेट ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप में क्या करो, एफ लिमिटिंग निकालो। थर्ड स्टेप में क्या करो, ए मैक्स निकालो। चौथे स्टेप में फोर मैक्स। इसमें क्या नहीं क्लियर हो रहा है? इसमें कुछ बचा ही नहीं बताएं लायक। हलवा एकदम एकदम हलवा। फर्स्ट स्टेप में क्या करो, आप टारगेट को निकालो। टारगेट कौन सा होगा, जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स हो। सेकंड स्टेप पे क्या करो, सेकंड स्टेप पे आप एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग म्यू एस इनटू एन होता है, और किसके बीच में निकालना है, बिटवीन ब्लॉक्स निकालना है। तो इन दो ब्लॉक के बीच का एफ एस क्या होगा, म्यू एस इनटू एन, लगा दिया। एन कितना होगा, एन क्या होगा, एम जी के बराबर, लगा दिया। ए मैक्स निकालो। ए मैक्स किस पे निकालते हैं, टारगेट पे जाके। तो टारगेट पे गए, देखा इस पे एफ लिमिटिंग फोर्स लग रही है। टारगेट पे गए, देखा इस पे एफ लिमिटिंग फोर्स, ए मैक्स हो गया एफ लिमिटिंग बाय एम, फोर्स अपॉन मास। फिर एफ मैक्स क्या होता है, एम वन प्लस एम टू इंटू ए मैक्स, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट वाले पे आओ, इस पे आओ। चलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, अब देखो नीचे वाले पे फोर्स, देखो भाई सारा खेल हो रहा है। पिछली बार फोर्स कहां थी, ऊपर वाले पे, इस बार फोर्स कहां है, नीचे वाले पे। विच कैन बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम शोन इन द फिगर सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टूगेदर विथ सेम एक्सेलरेशन। आ जाओ आ जाओ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम शोन इन द फिगर सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टूगेदर विथ सेम एक्सेलरेशन। यानी दोनों को साथ साथ चलाने के लिए क्या निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। अरे यार, एफ मैक्स ही तो पूछा है। सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ सेम, साथ साथ चलेंगे, है ना। सो एफ मैक्स पूछा है, आ जाओ। इस बार नहीं हुए तो मेरा नाम बदल दो, आ जाओ भैया। सबसे पहला स्टेप क्या ढूंढोगे, टारगेट 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 वो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स हो, जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स हो, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में हो सकती है और फोर्स, जिसमें हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स हो, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। चलो बेटा, इस पे फोर्स एफ लगाई, ठीक है। अगर यहां चूहा बनकर मैं बैठूं और मैं नीचे वाले को देखूं, एम वन, एम वन किधर जा रहा, आगे को, तो एम वन पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर मैं ऊपर बन के ऊपर बैठ जाऊं, चूहा बनकर ऊपर बैठ जाऊं, अगर मैं चूहा बनकर ऊपर बैठ जाऊं, अगर मैं चूहा बनकर ऊपर बैठ जाऊं, तो मुझे M1 किधर जाता हुआ दिखेगा, आगे को। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे को। यस और नो? अगर मैं चूहा बनकर ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे M1, मैं चूहा बनकर बैठ गया, मैंने देखा M1 किधर जा रहा है, पीछे, सॉरी, मैं चूहा बनकर ऊपर बैठ गया, मैंने M1 देखा किधर जा रहा है, चूहा बन के M2 के ऊपर बैठ गया, M1, अरे तू आगे कैसे जा रहा है, तू पीछे चल। फिर मैं चूहा बन के यहां भी बैठा, हम तो आगे चल रहे हैं, हम बैठ गए इसमें डोली में, डोली चल पड़ी, M1 में डोली में बैठ गए, ऊपर देख रहे हैं, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो, अरे तुम, नहीं समझ में आया। हम इसमें जब बैठ जाएंगे तो M2 कैसे देखेंगे, हम तो आगे जा रहे हैं, तुम तो पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे, चल आगे। तो इस पे फ्रिक्शन आगे। बेटा, इन दोनों में से टारगेट कौन है, मेरे ख्याल से तो M2 है, सभी लोग एग्री कर रहे होंगे M2 टारगेट है, क्योंकि उस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, F लिमिटिंग निकालेंगे अपन। F लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, कहां निकालते हैं, बिटवीन ब्लॉक्स, कहां निकालते हैं, बिटवीन ब्लॉक्स, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में। तो बेटा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये वाला देखना पड़ेगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ये वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, M2G। ये बात नहीं समझ में आई, यहां कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, FS, F लिमिटिंग कौन सा लेना है, बिटवीन टू ब्लॉक्स, इन दो ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। तो यहां पे जो बेटा लगेगा म्यू एस इनटू एन, ये नॉर्मल रिएक्शन यही वाला तो लगेगा जो इन दो ब्लॉक के बीच का है, आपको इन दो ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसी सरफेस का तो उठाओगे,
यही का तो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम टू इंटू जी, सो ये कितना हो गया म्यू एस इंटू एम टू इंटू जी। थर्ड स्टेप पे बेटा ए मैक्स निकालते हैं अपन, ए मैक्स किस पे निकालते हैं, टारगेट पे, टारगेट कौन है रे, टारगेट इस बार एम टू है, एम टू पे आगे एफ लिमिटिंग, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए मैक्स कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग अपॉन एम टू, एफ लिमिटिंग कितना है म्यू एस इंटू एम टू इंटू जी अपॉन एम टू, कैंसिल कितना हुआ म्यू एस इंटू जी। इसके बाद बेटा मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए मैक्स, एम वन कितना है कैपिटल एम वन प्लस कैपिटल एम टू इंटू ए मैक्स कितना है म्यू एस इंटू जी। अरे धुआं धुआं कर दिया शाबाश, कौन सा ऑप्शन है एम वन माइनस एम टू म्यू एस इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी, म्यू एस इंटू एम वन प्लस एम टू, अरे धुआं धुआं है शाबाश शाबाश जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई, बोलिए समझ में आया कि नहीं, अय हय 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 बहुत बढ़िया। अरे सर ये कब चालू किया, एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस इन 2014 पर तब मैंने वीडियो नहीं डाले थे, चैनल बना के छोड़ दिया था जैसे यूट्यूब का चैनल बन जाता है, फिर 2015 में मैंने वीडियो डाले थे क्लास 10th के, और मैं बता रहा हूँ कि मैं जब वीडियो डालता था तो उस पर व्यूज़ नहीं, अच्छा ये वाली कहानी नहीं बतानी सॉरी, ये अभी 7 बजे स्टार्ट किया, मुझे लगा पूछ रहा है कि पूरी कहानी, सॉरी मैं तो फ्लो फ्लो में बह गया था, मुझे माफ करना ओ बच्चों लोग। 22वां सवाल आ जाओ, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ f इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन, f कितना है 15। बेटा ये सवाल आपको खुद से धुआं धुआं करना है, क्या करना है धुआं धुआं करना है, आ जाओ मेरे चूहों उड़ा दो इस सवाल को, आ जाओ। सर शादी कब कर रहे हो, वेडिंग फॉर्म इज परफेक्ट ओनली, देखो ये होता है ना शादी ब्याह ना करना चाहिए इंसान को 40-45 की उम्र में, है ना, पहले जीवन तो जी ले, है ना, 40-45 तक वेट करो फिर तो अकेले जीने की आदत पड़ जाती है, फिर करने की जरूरत भी नहीं है, चलो भाई है ना ठीक है। चलो तुम ही लोग बताओ कोई अच्छी कन्या के रिश्ते रिश्ते हो, है ना, कौन सी राशि होती है मंगल राशि तुला राशि, तो कोई राशि वासी का देख के ग्रहण लगा कुछ बताओ जिसके साथ जीवन बहुत अच्छा बीते, तो कुछ राशि वासी करके तुम लोग कुछ खेलो, वैसे मेरी क्लास में एक राशि भी थी बट मैं उसको राशि बहन बोलता था, यहीं पे बात खत्म हो गई ठीक है। मेरे क्लास में एक संज्ञा भी थी उसको मैं संज्ञा भाई बोलता था, वहां पे भी बात खत्म हो गई। सारी बात ऐसे ही खत्म हो जाती है, क्या बताएं, आओ सवाल करें, टाइम दे रहा था तुम्हें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज क्या निकालना है हम लोग को, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg एंड 10 kg, फोर्स कितनी है 15 न्यूटन, चलो फोर्स गिवन कितनी है 15 न्यूटन, तो पहले आप एफ मैक्स निकालो, पहले आप एफ मैक्स निकालो, आओ हम लोग पहले क्या करेंगे एफ मैक्स फाइंड करेंगे। देखो प्रोसीजर क्या होगा, आप एफ मैक्स फाइंड करो, एफ मैक्स निकालो, फिर आप चेक करो कि गिवन फोर्स एफ मैक्स से छोटी है तब तो बढ़िया है, साथ साथ चलेंगे, और अगर एफ मैक्स से बड़ी है तो दोनों ब्लॉक अलग अलग ट्रीट होंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा एफ मैक्स निकालना पड़ेगा। सो एफ मैक्स निकालते हैं, स्टेप वन, अब तो सबको समझ में आ गया होगा टारगेट, इन दोनों में टारगेट कौन है यार, ऐसी देखते बता दो यार, अब तो देखते ही बता दो टारगेट कौन सा है, अरे देखते बता टारगेट, अब क्या बनाएगा क्या, किस पे फ्रिक्शन इधर उधर ये सब करेगा क्या, अब तो देखते ही पता है अपने को टारगेट कौन है 10 kg, नहीं पता तेरे को, अरे बोलना टारगेट कौन है 10 kg है कि 5 kg है, सबको पता है 10 kg है भाई, ये आगे जा रहा है इस पे चूहा बनकर बैठेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हम किधर जा रहे हैं आगे, ये हमारे रिस्पेक्ट में पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगा, और यहां चूहा बनकर बैठे तो ऊपर वाले को देखे आगे भाग रहा है उसको पीछे खींच लिए, तो बेटा टारगेट कौन हुआ 10 kg हो गया ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बेटा एफ लिमिटिंग निकालेंगे, एफ लिमिटिंग क्या है म्यू एस इंटू एन, कहां निकालते हैं बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच का, तो ब्लॉक्स के बीच में बेटा नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कितना होगा 5 g होगा, खत्म हो गई बेटी कहानी, तो म्यू एस
म्यू एस 0.4 इंटू एन इज 5g, सो 0.4 इंटू सॉरी डार्लिंग तो पॉइंट ये हट गया, 4 5 जा 20 न्यूटन। इसके बाद थर्ड नंबर पे ए मैक्स निकालते हैं अपन। सो ए मैक्स कैसे निकलेगा बेटा, टारगेट ब्लॉक को ढूंढ लेंगे, टारगेट कौन है 10 kg, और टारगेट पे क्या लगा देंगे, एफ लिमिटिंग लगा देंगे। यहाँ से ए मैक्स कितना हो गया, एफ लिमिटिंग अपॉन टारगेट का मास यानी 10 kg। एफ लिमिटिंग कितना है, 20/10, कितना आया 2 m/s². बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल लेंगे अपन, एफ मैक्स निकाल लेंगे। एफ मैक्स कितना होगा, m1 + m2 मल्टीप्लाइड बाई ए मैक्स, सही कर रहा हूँ। सो m1 + m2 यानी 15, ए मैक्स कितना 2, कितनी फोर्स 30 न्यूटन, यानी इस फोर्स तक साथ साथ चलेंगे, इस फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। अब गिवन फोर्स कितनी है 15, तो 15 क्या है बेटा, लेस देन दिस फोर्स है। अरे मेरे कमेंट नहीं शो हो रहे, एक सेकंड रुकना, मोबाइल में देख लेते हैं थोड़ी देर। चलो 15 क्या है बेटा, लेस देन दिस फोर्स है, है ना। 15 गिवन फोर्स जो है वो इससे कम है, है ना। जो गिवन फोर्स है दैट इज लेस देन एफ मैक्स फॉर साथ साथ, और गिवन फोर्स कितनी है 15, एफ मैक्स कितना आ रहा है 30। इसका मतलब ब्लॉक कैसे चलेंगे साथ साथ, इसका मतलब ब्लॉक कैसे चलेंगे साथ साथ, और कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे तो टेंशन खत्म हो गई। ये 10, ये 5, फोर्स कितनी लग रही है 15, ये 10, ये 5, फोर्स कितनी लगी 15 न्यूटन। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों एक ही बॉडी बन गए, मास हो गया 15 kg, ए इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन अपॉन 15 kg, समझे। दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों एक ही बॉडी बन गए, तो ए इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन अपॉन 5 + 10 = 15, कितना हो गया 1 m/s². तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी 1, नीचे वाले का भी 1, बोलो आया। क्लियर है। निशांत बेटा बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्ड ही करो ना, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा कोरोना का नाम नहीं लो पहली चीज, और दूसरी चीज कि ये लेक्चर अब से अगले 1 घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड ही लगेगा, सो आप तब देख लेना, 1 घंटे बाद आपके लिए रिकॉर्डेड हो जाएगा, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 7 बजे का लेक्चर 7 बजे देखो, यही तो बात है। रिमेंबर दैट गाय जो भी थोड़ी देर पहले आया था, जिसने भी कराई थी बेइज्जती की इधर से उधर जाने वाला, सेम चीज, यू कैन चेंज द स्पीड आफ्टरवर्ड्स व्हेन द क्लास इज ओवर। चलो क्लियर है। चलो एम्स 2005, ये आखिरी सवाल रखेंगे आज का, आप इसका आंसर बताएं मुझे। एम्स 2005 आंसर बताएं, द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.5, द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज, बताएं द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज, द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज, द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज, बताएं द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज। आ जाओ स्टार्ट करें। सबसे पहले टारगेट क्या होगा, एफ मैक्स को फाइंड करना। सबसे पहले टारगेट इन दोनों में से कौन है, अब तो देखते ही पता चल रहा है कि 5 kg टारगेट निकलेगा। सेकेंड स्टेप पे एफ लिमिटिंग निकालेंगे, एफ लिमिटिंग कितना होगा म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन ये वाला लेंगे, किसके बराबर हुआ 2g के बराबर हुआ। सो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 रखी, 0.5 इंटू 2 इंटू 10, तो यहाँ से पॉइंट हटा, जीरो हटा, कितना हुआ 10 न्यूटन एफ लिमिटिंग। थर्ड नंबर पे ए मैक्स निकालेंगे, ए मैक्स किस पे निकालते हैं, टारगेट पे निकालते हैं, टारगेट कौन है 5 kg, फोर्स कितनी लग रही है 10 न्यूटन, सो ए मैक्स कितना हो जाएगा 10/5, है ना, एफ लिमिटिंग ही तो लिखते हैं यहाँ पे ना, लिख लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो। यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है एफ लिमिटिंग, है ना, इस पे बैठ के देखोगे
तो आप आगे जा रहे हो, ये पीछे छूट रहा है, तो इस पर फोर्स आगे लगेगी। तो F लिमिटिंग बटे 5, F लिमिटिंग कितना 10 बटे 5, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F मैक्स निकाल लेंगे फॉर साथ साथ, F मैक्स फॉर साथ साथ M1 प्लस M2 इंटू A मैक्स। सो M1 प्लस M2 कितना है 5 2 7 इंटू A मैक्स 2, कितना 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे, 14 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। गिवन फोर्स कितनी है 7 न्यूटन, तो गिवन फोर्स इज लेस देन एफ मैक्स फॉर साथ साथ। गिवन फोर्स कितनी है 7 न्यूटन, 14 न्यूटन मैक्सिमम, यानी ब्लॉक कैसे चलेंगे साथ साथ चलेंगे, 14 न्यूटन तक ब्लॉक साथ साथ चलने थे। तो साथ साथ चलेंगे तो बेटा दोनों को एक ही ब्लॉक मान लो, फोर्स कितनी लग रही 7 न्यूटन, ब्लॉक कितना है 2 और 5 kg। अब ये दोनों एक ही सिस्टम बन गए, साथ साथ चलेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। सो नेट फोर्स कितनी है 7, नेट फोर्स कितना, मास कितना है 7, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक पूछा है, तो चाहे लोअर ब्लॉक पूछता चाहे अपर पूछता, दोनों का एक्सेलरेशन क्या आता सेम। फ्रिक्शन खत्म बेटा। अब यहां से रेगुलर ड्रिल क्या होगी, आप फ्रिक्शन के प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करेंगे। कहां मिलेगा, फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में, उम्मीद बैच में क्लिक करेंगे और अपनी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तो उसके वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी उम्मीद बैच में केमिस्ट्री और बायो कहां चल रहा है, कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे। तो आपका फ्रिक्शन का टॉपिक होता है समाप्त। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो होगा सर्कुलर मोशन। कई लोग को लग रहा था कि सर्कुलर मोशन सर ने छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं है, सर्कुलर मोशन भी कराएंगे। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक क्या रहेगा, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक भी मैं बता दूंगा आपको। एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट छूटा है, बाकी एनसीईआरटी का सीक्वेंस चल रहा है पूरा और चलेगा लगातार यहाँ से, ठीक है। सर्कुलर मोशन मैं काइनेमेटिक्स में नहीं लेता हूँ, अलग से लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ाता हूँ। तो फ्रिक्शन हो गया, आप सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें ना सर्कुलर मोशन बहुत से सवाल होते हैं जहां फ्रिक्शन की जरूरत होती है, कि क्वाइन रख दिया, उसको गोल घुमा दिया, किस एंगुलर स्पीड तक क्वाइन बाहर नहीं फेंकेगा, है ना। या आपको बैंकिंग पढ़ानी है तो वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत है, इसलिए फ्रिक्शन पहले पढ़ाते हैं। तो यहीं पे आज का लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।